जी बहुत बहुत खुशामदीद सारे पार्टिसिपेंट्स को। पहले तो मुझे कंफर्म कर दें आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है। जी गांधी चार्ट पर लिखते बता रहे। अच्छा अभी चार हम लोग शुरू करने वाले हैं। मेरे दरखास्त पर यह है कि जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं एक एक करके आप लोग अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मुख्तसर सा दें ताकि हम लोग फिर एक दूसरे से थोड़ा इंट्रोड्यूस हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग आगे इंशाल्लाह सेशन स्टार्ट करें। तो मैं नाम सबका लेता जाऊंगा, तो एक एक करके आप लोग प्लीज अपना तारुफ कर दें। पर सबसे पहले हमारे पास है आगा हसन अली। आगा हसन साहब काइंडली आप अपना थोड़ा तारुफ करा दीजिए। सर अस्सलाम वालेकुम। सर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ हूँ, कॉमर्स डिपार्टमेंट से। अभी जी। फ्रेश ग्रेजुएट हूँ और दुबई इस्लामी बैंक में सर एज ए ग्रेजुएट इन ऑफिसर मेरी जॉब लगी है। अच्छा, तो असद साहब आप बताइए कि तो फिर आपका टैक्स के उसमें कैसे आपका करने का ऑब्जेक्टिव क्या, आप क्या समझते हैं कोर्स से आपको क्या हासिल होगा? सर मेरा तो सर ये टैक्सेशन में और फाइनेंस में सर मेरा तो शुरू से इंटरेस्ट था, लेकिन यूनिवर्सिटी में सर फाइनेंस पे तो ग्रिप मेरी अच्छी हो गई लेकिन टैक्सेशन पे अच्छी नहीं हुई। और तो इस वजह से ये यू एक्सेल का भी बहुत नाम सुना है, कराची में बहुत अच्छा सेंटर है, तो इस वजह से मैंने कहा ये सीख लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। इससे पहले डेमो ले लेते हैं, उससे आइडिया हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह क्लासेस भी लेंगे। ठीक है, तो सही। तो मतलब किस किस्म के, मतलब किस एरिया के आपकी समझ आ रहा है कि भाई हमारे हम इस एरिया पे मेरा यहाँ से चीजें पूरी हो जाएंगी, या आपका कोई जहन में कोई है कि खास एरिया के भाई ये चीज मुझे यहाँ से सीख के जानी है? जी सर ये टैक्सेशन का पूरा मुझे जो है जैसे सेल्स टैक्स वगैरह हो गए, जैसे ये ई फाइलिंग वगैरह होती है, जैसे रिटर्न टैक्स करना, वो सर मुझे सीखना था। तो मैं पहले हैदराबाद में था तो मुझे ऐसा कोई सेंटर वगैरह नहीं मिला। फिर जैसे जॉब कराची में लगी तो थोड़ी बहुत रिसर्च की तो मुझे आपका जो सेंटर है उसके रिव्यू ज़्यादा अच्छे मिले, चलिए, तो बहुत बहुत इसी वजह शुक्रिया, से फिर जी इस वजह बहुत बहुत से। शुक्रिया। अगला मैं रिक्वेस्ट करूंगा जहांजेब अहमद साहब, तो आप प्लीज अपना थोड़ा सा तारुफ बता दी करवा दीजिए। जी जहांजेब अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जहांजेब अहमद, मैं जुनैसन मेडिकल यूनिवर्सिटी फाइनेंस डिपार्टमेंट में होता हूँ एज एन अकाउंट्स ऑफिसर। सर मेनली मेरा ऑब्जेक्टिव है कि डू सम फ्रीलांसिंग एज अ, जैसे ई फाइलिंग के बहुत केसेस आते हैं, मुझे थोड़ी बहुत तो नो हाउ है, लेकिन मुझे आगे और भी जैसे IRS वगैरह पे कैसे टैक्स को इनपुट करना है वगैरह, ये सब सीखना है ताकि मैं फ्रीलांसिंग कर सकूँ इस इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह की। अच्छा, तो आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप ई फाइलिंग का वो करना चाहते हैं। आपने कौन सी उसका बताया था, कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जॉब कर रहे हैं? मैं जिनसिन मेडिकल यूनिवर्सिटी। अच्छा, JSMU में कर रहे हैं, जबरदस्त है। वो तो बड़ा अच्छा माशाल्लाह से इदारा। ठीक है, जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितेंद्र कुमार साहब प्लीज अपना थोड़ा सा तारुफ करा दें। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मैंने ग्रेजुएशन की है CBM कॉलेज से। तो करंटली आई एम वर्किंग इन अ एक्सपोर्ट राइस फर्म, राइस एक्सपोर्टिंग फर्म। तो वहाँ पे मेरा मेनली काम ये अकाउंट्स और फाइनेंस और ये फाइनेंशियल्स जो हमारे लॉयर्स हैं सेल टैक्स के हवाले से, रिटर्न्स के हवाले से, और जो हमारे PP बैग्स होते हैं उनकी जो चालान्स वगैरह है, तो वो लॉयर्स को हम जो ना मैं लॉयर्स को ये चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। तो इस कोर्स करने का मकसद ये है कि कभी कभी जब आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं होती, उस चीज़ की डेप्थ नहीं पता होती, तो सामने वाला आपको बेवकूफ़ बना सकता है। तो मेरा कोर्स करने का मकसद ये है कि मैचअप हो जाए जो वो बोलता है और जो यहाँ से मैं सीखूंगा, तो जी। बस ये है कि वो अपनी कंपनी को कुछ फायदा दे सकूं। ठीक है। बाकी मतलब मेरा कोई वो प्रोफेशनल ऐसे स्टार्ट करना नहीं है, पर जो अपना मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें बड़ा हेल्प आउट करेगा ये, क्योंकि ठीक है ठीक है ठीक हम एवरी मंथ फाइलिंग, सेल टैक्स फाइलिंग होती है हमारी, और एक हमारी
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो वो भी हर एवरी मंथ फाइलिंग होती है उसकी भी, तो उस हिसाब से मुझे सीखना था। अच्छा अगला मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि माज साहब अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन थोड़ा करा दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। एक्चुअली मैं ग्रेजुएट हूँ बीकॉम, और बेसिकली टैक्स फाइलिंग आईआरएस में मुझे थोड़ी बहुत आती है, लाइक नॉर्मल सैलरी परसेंट्स वगैरह की फाइलिंग हो गई। सो एक्चुअली मैं ये चाह रहा था कि मेरे पास कुछ ऐसे भी केसेस आ जाते थे जिसमें मैं समटाइम थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाता था, बिकॉज इसका इंटरेस्ट ऐसे हुआ क्योंकि मेरे एक फ्रेंड हैं वो ऑडिट फर्म में जॉब करते हैं शारे फैसल पे, बेकर टिली पे। सो उनसे मैं थोड़ी बहुत हेल्प लेता था क्योंकि मैं, मेरा जो ताल्लुक है बेसिकली, मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिस सेंट्रल के रजिस्ट्रार ऑफिस के जो केसेस होते हैं, जो जिनकी सेल डीड वगैरह बनती है, तो उनमें अक्सर होता है कि आपका जो अभी गेन टैक्स और जो है वो काफी लग रहा है प्रॉपर्टी ट्रांसफर पे। सो उसके लिए फाइलर होना जरूरी होता है। तो वहाँ से केसेस मेरे पास समटाइम आते थे, तो मैं उसको आउटसोर्स कर देता था अपने फ्रेंड्स वगैरह को, जो मेरा फ्रेंड होता है ऑडिट फर्म में। सो हुआ ये कि पहले तो मैं प्रोफाइल वगैरह खुद बनाता था, मगर उसके बाद मैंने सोचा कि यार ये काम क्यों ना खुद सीखा जाए, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टेड भी है। और उसके बाद ये कि अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर्स और क्लाइंट से मीटिंग करके ये होता है कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि आप अगर आउटसोर्स करें तो वो बेहतर है कि बनिस्बत आप इसकी खुद करें। सो दैट्स व्हाई मैं इसमें इंटरेस्टेड हुआ कि मुझे कोर्स जो है वो करना चाहिए। इसके अलावा एक और मैंने कोर्स की जो है वो क्लास अटेंड की थी, खैर अभी तो मुझे टाइम नहीं मिला, इसी वजह से मैं जूम पे अवेलेबल हो गया, वरना मैं आपके इंस्टीट्यूट आता। और वहाँ पे एक कराची के कमिश्नर हैं, आई थिंक मोरियो साहब कोई, वहाँ पे एफबीआर के कमिश्नर, सो वो क्लासेस जो है वो दे रहा है, मुझे इंस्टीट्यूट का नाम सही से कन्फर्म नहीं हो रहा, वरना मैं भी बता देता। सो मैंने यही चीज़ सूटेबल समझी कि आप कि यहाँ जो है डेमो है उसको अरेंज करने के बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कहाँ एडमिशन लेना चाहिए। सो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बेसिक भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, सो इस वजह से ये चीज जरूरी थी, लिहाजा इंशाल्लाह आगे देखते हैं कैसा रिस्पांस रहता है, फिर अल्लाह मालिक है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा अगला मैं रिक्वेस्ट करूंगा ताहा साहब हमारे साथ हैं। जी सैयद ताहा साहब हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी ताहा साहब, आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा मुख्तसर सा दे दीजिए और बता दीजिए आप इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्या, आप समझते हैं कि आपका अचीव करेंगे। जी मेरा नाम सैयद तहा अहमद है और मैं जो है एफ वी आर की सिस्टर कंपनी प्राल के साथ काम कर रहा था, और मैं बी कॉम ग्रेजुएट हूँ। तो मेरा ये जो कोर्स करने का मकसद है अपना एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, अपनी एजुकेशन को, अपनी जो एक्सपर्टीज़ है उनको बढ़ाने के लिए मैं ये कोर्स कर रहा हूँ, ताकि मैं मज़ीद मेरे प्रोफेशनलिज्म में काम आ सके। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला जो हमारे पास है, मतलब मोहसिन साहब से बात होगी हमारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं अभी फिलहाल जो है वो एक लॉजिक्स कोरियर कंपनी है, वहाँ पर जॉब कर रहा हूँ एज एन सीनियर एग्जीक्यूटिव अकाउंट्स एंड फाइनेंस। तो हम वहाँ पे एसआरबी तो काफी, मतलब ये है कि डिडक्शंस तो मैं करता रहता हूँ, मैंने कभी फाइलिंग नहीं की हुई है, तो उसको सीखने के लिए कि फाइलिंग उनके कैसे होती है पोर्टल पे वो, और एफबीआर में कैसे एक जो है कॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो है वो टैक्स कैसे रिटर्न्स किए जाते हैं, चाहे वो एनुअल हो या मंथली बेसिस पर हो, तो इसको सीखने के लिए, इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये कोर्स ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो बहुत ही जबरदस्त हुआ। अच्छा अभी मतलब पार्टिसिपेंट्स काफी हैं, तो हम लोग फिजिकली भी थोड़ा सा वो लेते हैं और इंशाल्लाह फिर हम लोग अभी डेमो स्टार्ट करते हैं। जी मेरा
ठीक हो गया जी। ग्राफिक डिजाइनर से टैक्स फाइलिंग, ये तो बहुत ज्यादा कहीं आपको खींच के तो नहीं लाया सर? ऐसी है। अच्छा जी सर, अब फाइनेंस के अंदर शिफ्ट करना चाह रहे हैं अभी। मैं जब फाइनेंस से टेस्ट आना चाह रहा हूँ तो यही चाह रहा हूँ कि मुझे जो है वो टेस्ट भी जो है प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाए। थ्योरेटिकल तो है ना, मैंने माशाल्लाह से ये जो है पास किया था, टेस्ट में जब हम पढ़ा मैं, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज आ सकती। ठीक है। या अंदर एडमिन में देखिए, फिजर या अलियान बैठा हुआ होगा, उसके भी बुला सकते हैं। यार माउस का कोई है ये सर? ट्राई पर थोड़ा मसला। अच्छा, तो अभी हमने सबसे तारुफ तो नहीं लिया, मुख्तसरन कुछ लोगों से लिया है तारुफ। तो आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो जिनका फाइनेंस से मौजूदा ताल्लुक है, और वो या तो टैक्सेशन का थोड़ा इंट्रोडक्शन लेना चाह रहे हैं और उसमें थोड़ी उसमें ग्रिप लेना चाह रहे हैं। तो आप लोगों से कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं, जाहिर सी बात है वर्चुअल हो या हमारे साथ हो, जिनका टैक्स में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और वो थोड़ा एडवांस लेवल के उसमें वो करना चाह रहे हैं। यही तो एच सी में यूसी का फॉर्मेट है।
अच्छा तो हम लोग अब शुरुआत करते हैं इसकी। यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, अच्छा तो हमारी जो बात हो रही थी, जी अभी मेरी ऑडियो आ रही सबको मेरे ख्याल से? अच्छा तो हमारी जो बात हो रही थी कि हमारा ये जो कोर्स है बेसिकली इसका वो क्या, मैं थोड़ा सा अपना बता देता हूँ कि मेरा नाम मुर्तजा गाजी, मैं इस कोर्स का इंस्ट्रक्टर हूँ और जो हमारी आज की सेशन की एजेंडा है, अब उसमें हम लोग बताएंगे कि इस कोर्स से आपको एज अ करियर वाइज आपको क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। अब हमने जो है कोर्स के दो हिस्से हैं, एक एडवांस हिस्सा है और एक बेसिक मॉड्यूल है। बेसिक मॉड्यूल है वो तकरीबन 2 महीने का वो होगा और जो एडवांस मॉड्यूल है वो 1 मंथ का होगा। एडवांस मॉड्यूल में हम लोग एडवांस चीजें देखेंगे, बेसिक्स में हम क्या करेंगे कि अगर जो कंबाइन 3 मंथ्स का जो हम लोग वो कर रहे हैं कि मेरी ऑडियो का इशू आ रहा है, अब जो कंबाइन का जी तो कोर्स को दो हिस्से में बनाने का मकसद बेसिकली ये है कि जैसे आपने क्या नाम बताया, सॉरी अपना आपने क्या नाम बताया अपना, कुमैल साहब हमारे पास आए, तो कुमैल साहब के जैसे ये ऑलरेडी टैक से काफी वेल वर्स्ड है, वो अपनी स्किल्स को पॉलिश करके नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, और आप में से काफी लोग ऐसे हैं जिनको या तो टैक्स का बेसिक आइडिया है या थोड़ा बेसिक आइडिया भी नहीं है, तो इस वजह से हमने इनको दो हिस्सों में तोड़ा। तो एक हमारा जो बेसिक कोर्स होगा वो 2 मंथ्स का होगा और एक एडवांस कोर्स होगा जो 1 मंथ का होगा। दोनों की मैं आउटलाइन में डिस्कस करूंगा, इससे पहले मैं बता दूं कि भाई आपके पास इसमें क्या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं, इम्पैक्ट इस कोर्स का क्या होता है। मेरी अपनी जाती तौर पर तकरीबन पिछले 6 साल से 7 साल से मेरी अपनी फाइनेंस और टैक्स कंसल्टेंसी फर्म है, मैं चलाता हूँ IFCMG के नाम से। हम लोग SME सेक्टर में स्पेशलाइज करते हैं और मेरी क्योंकि अकाउंटिंग फर्म है तो मैं अपने पास ट्रेनीज रखता हूँ और वो ट्रेनीज मेरे पास आते जाते रहते हैं। तो ये चूंकि मैं SME सेक्टर में काम करता हूँ, ज़्यादातर जॉब्स SME सेक्टर की ही निकलती हैं। हमारे पास अगर 100 जॉब्स मार्केट में आती हैं उनमें 2-4 होंगे कि भाई हमारी बड़ी लेवल की कंपनीज होंगी, वरना ज़्यादातर छोटी जिसे सेटिया कंपनीज कहते हैं उनकी जॉब्स आएंगी जो रेंज करती हैं सब तकरीबन 20-25 हज़ार से 4-5 लाख तक की वो लोग सैलरीज देते हैं जो हमारा SME सेक्टर है। तो एक जो हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि जो नॉर्मल है वो ग्रेजुएट हो, 2 से 4-5 साल तक का एक्सपीरियंस हो, मतलब अपने कैरियर के मिड लेवल पे हो, वो स्विच अप करना चाह रहा हो कि यार मेरे पास एक जंप मेरे पास कैसे आएगा, तो वो ये टैक्सेशन का कोर्स एक ऐसा है। फिर बाकी यहाँ पे और भी कोर्सेज ऑफर होते हैं जिसमें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होती है, एक्सेल के कोर्सेज होते हैं, एडवांस एक्सेल के, पावर बी आई के कोर्सेज होते हैं कि जो आपको अपस्किल कर देते हैं। तो वो ये एक ऐसा कोर्स है कि आपको थोड़ा इसमें जंप मिल जाती है। जैसे अब मैं ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब हमारे पास ट्रेनिंग आते जाते रहते हैं, अब एक ट्रेनिंग मेरे पास आता है वो 1 से 2 साल लगाता है, फिर मार्केट में चला जाता है, ठीक है। अब जो मार्केट में चला जाता है, अब मेरे पास एवरेज जो ट्रेनिंग है कि वो टैक्सेशन का काम उनको पता होता है, बुक कीपिंग सीख के जाते हैं, तो
एक एसएमई के लिए उनके अकाउंट्स में दोनों चीजें अभी बहुत इन डिमांड होगी, कि बजाय इसके कि भी मैं टैक्स कंसल्टेंट को बिला वजह पैसे दूं, वो मैं इसके लिए इनहाउस वर्कर होनी चाहिए। कंसल्टेंट को मैं पैसे दूं कॉम्प्लेक्स चीजों के लिए, रूटीन के मामला तो कि भाई मेरी सेल्स टैक्स की फाइलिंग है, विदोली टैक्स चालान की जनरेशन की बात है, एनुअल रिपोर्टिंग है, वो मेरा अपना बंदा कर दे, और उसको इतनी नॉलेज हो कि मैं कंसल्टेंट जो डेटा मांग रहा हूँ उसको पता हो किस नौयत का डेटा चाहिए, किस हिसाब का डेटा चाहिए, उतनी उसको बंदे का नॉलेज हो तो वो रिसोर्स तैयार हो जाए। तो वो जो हमारा सिलसिला है तो उसमें जो नॉर्मल होता है किसी के पास स्किल सेट जैसे सिंपल बीकॉम, अगर वो मैं बीकॉम की बात करूँ तो तकरीबन 20,000 से 30,000 रुपये एक से दो साल वाले बीकॉम को जॉब मिल जाती है। लेकिन जो टैक्सेशन वाला बंदा होगा वो 40,000 से 50,000, 60,000, 70,000 उसको अपस्किल मिल जाती है। वो क्यों मिल जाते हैं ज्यादा पैसे? वो इसलिए मिल जाते हैं कि जो एक सेठ की मेंटालिटी होती है वो कहता है कि भाई मैं एक अलग से बंदा टैक्सेशन के लिए रखूं, मैं एक अलग से बंदा अकाउंट के लिए रखूं, मैं इसको भी 40-50,000 दूंगा, टैक्सेशन वाले बंदे को 20-25,000 दूंगा, तो एक काम करते हैं मैं 50,000 देता हूँ एक बंदे को देता हूँ जिसको दोनों काम आते होंगे। तो ये इसके पीछे लॉजिक है कि अभी कोविड के बाद से काफी लोगों ने देख लिया कि भाई हम कम लोगों से ज्यादा काम निकलवा सकते हैं, तो इसकी तरफ लोग जा रहे हैं। तो इस वजह से हमारी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, मेरे पास जो बच्चे होते हैं वो जाते हैं आराम से 50-40+ में वो जाते हैं, वो मेरे पास जो बच्चे ट्रेनिंग काम करते हैं वो होते हैं अमूमन ICMA कर रहे होंगे, ACCA कर रहे होंगे या BCom कर रहे होंगे, तो वो आराम से देखते हैं लोग उनसे दो चीजें पूछते, बेटा अकाउंट्स आती है? जी आती है। आपको टैक्स का पता है? जी पता है। अच्छा भाई आपको इतना 40+, 50+, अभी मेरे पास रिसेंटली दो जो ट्रेनिंग है उनकी लगी जॉब वो 50+ पे लगी, उनको लैपटॉप मोबाइल और एडिशनल बेनिफिट भी मिले। तो एक तो ये आ गई, और दूसरा जो यहाँ पे काफी हजरात कह रहे थे कि हम फ्रीलांसिंग वाली सिलसिला वो करना चाहते हैं, वो भी बड़ी अच्छी फील्ड है कि आपका अपना फाइनेंस का या जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपका सिलसिला चल रहा है, साइड इनकम आपकी होगी, क्योंकि अभी जो है हालात ऐसे हो गए हैं कि हमें जरूरत है एक से ज्यादा आमदनी की, तो हमारे एक से ज्यादा आमदनी नहीं है, में गुजारा नहीं है एक आमदनी में। तो नॉर्मल जो टैक्स फाइलिंग जो मार्केट में चल रही है 2,000 से 5,000 रुपये में आप सैलरी रिटर्न की फाइलिंग कर लेते हैं, बिजनेस के भी काफी लोग कर देते हैं, लेकिन ये रेट है। तो मेरा एक दोस्त है, मैं आगे बढ़ता हूँ, ये मेरा एक दोस्त है, अब उसके साथ क्या था, वही जो सबके साथ मसला है कि एडिशनल आमदनी कहाँ करें, वो एक जगह फाइनेंस भी जॉब करता है और उन्होंने फर्म में बैठ के टैक्स फाइलिंग करना सीख ली, तो उनका अपना क्लाइंट का पोर्टफोलियो अपना बढ़ता गया ऑन द साइड। तो उन्होंने क्या सिलसिला किया कि उन्होंने अपना पोर्टफोलियो बना के अब माशाल्लाह से तकरीबन 60-70 क्लाइंट्स हैं जो अब तो फीस भी उसने बढ़ा दी, वो 3,000 से 5,000 पर क्लाइंट उसको मिलते हैं, अगर हम 3,000 पे एवरेज लगाएं तो उसके 1,80,000 रुपये साइड पे बैठते हैं। वो क्या, वो पूरे सीजन में एक दो महीने का सीजन जो हमारा लगता है टैक्स फाइलिंग का, तो वो समझे नवंबर दिसंबर लग नॉर्मली, सेप्टेम्बर से डेट स्टार्ट हो जाती है लेकिन अक्टूबर में लोग हिलना शुरू होते हैं, दिसंबर में आखिरी तारीख में हफ्ते में जागते हैं, ठीक है। तो वो उन 1.5-2 महीने में वो उसका सीजन होता है, वो क्लाइंट्स उसके बंदे को हर साल उसको लोग रेफर करते हैं, यार ये बंदा अच्छा काम करता है वो करता है आप इसको वो कर ले। तो उसका क्या है, अपनी एक फाइनेंस की करियर उसका जॉब अलग चल रही है और साइड पे उसका सेटअप अलग चल रहा है। अब वो उसमें क्या है, हर साल उसमें 2-4-5 क्लाइंट, और वो ऐसा नहीं कि फुल मार्केटिंग कर रहा हूँ, फुल फ्लेश जॉब कर रहा है, लेकिन उसकी वो काम इतना अच्छा करता है, क्लाइंट डीलिंग उसकी इतनी अच्छी है, तो वो एक क्लाइंट के साथ अब अच्छा काम करेंगे, मतलब हमारे यहाँ ये होता है कि 20 लोग के साथ अब अच्छा काम करेंगे तो 20 में से कोई एक आपको किसी और को रेफर कर देगा, हाँ यार ऐसे काम करा लो, लेकिन एक बंदे का आप काम खराब कर देंगे वो 500 लोगों को बताएगा इस बंदे के नहीं काम कराना, ठीक है। तो उसका ये है कि आराम उसने पूरा ओपनली मार्केटिंग की, आरसी में आपको पता है हमारी आजकल जॉब्स की डिमांड कितनी डिमांडिंग होती है हमारी, सुबह कहते हैं 9 to 5 है लेकिन आने का टाइम होता है जाने का नहीं होता, तो उसके साथ वो साइड पे लेके फुल टाइम उसकी मार्केटिंग वगैरह कुछ नहीं इतना खास करता, वो उसके बावजूद उसका माशाल्लाह से बड़ा अच्छा सिलसिला वो उसका चल गया।
अच्छा, फिर अब आते हैं थोड़ा हमारा कोर्स का जो आउटलाइन होगी, आउटलाइन हमारी क्या है। तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव होगा कि जो हमारे कैंडिडेट्स हैं के पार्टिसिपेंट्स होंगे कोर्स के, तो हम लोग उनको बताएं पाकिस्तान का टैक्सेशन सिस्टम क्या है। और हम लोग जो एक चीज करवाएंगे यहाँ पे, जो मार्केट में काफी कम लोग कराते हैं, हम लोग डायरेक्ट लेजिस्लेशन से पढ़ाएंगे आपको ऑर्डिनेंस। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई, मैं अभी भी जानता हूँ 15-15, 20-20 साल हो गए लोगों को वो टैक्स रिटर्न फाइलिंग करते हुए, वो दूसरे बंदे से पूछे ये चीज कहाँ लिखी है, कभी ऑर्डिनेंस उन्होंने खोल के नहीं देखी, वो सुनी सुनाई पे यार ये फलाना सेक्शन है, मैंने फलाने से सुना था। लेकिन अब हमारा मकसद ये है कि जाहिर सी बात है, मैं पूरी 600-700 पेज की ऑर्डिनेंस में आपको 2-3 महीने में हम लोग आपको घोल के नहीं पिलाएंगे, ठीक है। वो अरसा गुजर जाता है लोगों को अभी भी, क्योंकि इतना बड़ा समंदर है टैक्स का। लेकिन आपको ये पता हो कि मुझे लेजिस्लेशन कैसे नेविगेट करनी है, किस तरीके से लेके चलना है, पढ़नी अगर मुझे आ गई ना ऑर्डिनेंस, तो मेरा आधा काम वही खत्म हो गया, ठीक है। मैं जो था जब मैं शुरू किया था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इंग्लिश बाबा, तो मैं जो करता था साफ सीधी बात है, इसमें कोई वाली बात नहीं है, हम लोग जब करते थे मैं शुरू किया था, यार क्या क्या आ रहा है, एक तो लीगल लैंग्वेज हमारी इतनी टेढ़ी मेढ़ी होती है, हम बोलते थे गूगल ट्रांसलेट, वह सेक्शन जो था जो हमने समझना होता था वो कॉपी पेस्ट मारा और फिर उसने देखा उर्दू में क्या आ रहा है, उर्दू में कह रहा अच्छा ये कह रहा है ना, उर्दू में ट्रांसलेट करके जो कानूनी जबान में गूगल ट्रांसलेट कर ले वो भी इतनी मुश्किल होती, लेकिन उससे फिर भी थोड़ी बहुत चीज समझ में आ जाती है, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग बेसिक सेल्स टैक्स के प्रिंसिपल्स पे बात करेंगे, बेसिक सेल्स टैक्स की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या तरीकेकार होता है, जो बेसिक वाले कोर्सेज पे बात करेंगे। फिर FBR के जो 2-3 पोर्टल्स हमारे चल रहे हैं, किस तरीके से उनको नेविगेट करना है, कौन से फॉर्म्स कहाँ हैं, किधर हैं, जो बेसिक बेसिक फाइलिंग के लिए हमारे होगी, फाइलिंग के लिए सैलरी के लिए कौन सा इस्तेमाल होगा, जो रेंटल इनकम होगी वो कहाँ से इस्तेमाल होगी। फिर हम लोग कवर करेंगे इसमें के चारों हमारे मेजर सोर्सेज और पांचों मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, वो हम लोग कवर करेंगे इसमें, जिसमें आपकी सैलरीड इनकम होगी, फिर आपकी बिजनेस इनकम होगी, प्रॉपर्टी इनकम होगी, कैपिटल गेन्स इनकम होगी, वो कवर करेंगे। फिर हम लोग इनकम टैक्स चलान कैसे जनरेट करते हैं वो इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे। फिर एक्टिव टैक्स पे लिस्ट क्या चीज है, अभी बहुत ज्यादा अहम दोबारा से हो गई, 1-2 साल की बेकार हो गई थी, क्यों, अगर आप लोगों ने कोई बजट अपडेट फॉलो की है तो इन्होंने क्या किया है, FBR ने, सॉरी इसहाक डार साहब ने, सॉरी क्या कह, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो इसहाक डार साहब ने ये किया है कि पहले 2-3 साल पहले तक ये मैकेनिज्म था कि जो फाइलर नहीं है और बैंकिंग ट्रांजेक्शन 50,000 से ज्यादा की करता है तो उसको 0.6% इनकम टैक्स देना पड़ेगा, विदहोल्डिंग टैक्स। तो अब वो लॉ ये वापस ले आए हैं, तो उसके लिए आपके पास कोई केस आता है कि यार मुझे एक्टिव कर दो, आप रिटर्न फाइल करके नहीं करेंगे, एक्टिव कब करना है, कैसे करना है, कौन कितने रिटर्न जमा करने होंगे, वो सारे डिस्कशन करेंगे इसमें। फिर इंडिविजुअल आपके पास टैक्स फाइलिंग केसेस आते हैं तो आप किस तरीके से उनको असेस करना है कि भाई आपको क्या डेटा रिक्वायर्ड है, वो जो अगर आप अधूरा डेटा दें तो आपको किस तरीके से चीजें प्रोसीड करनी है, किस तरीके से आपकी चीजें प्रोसीड करनी है उसके अंदर, ताकि आपको पता हो कि भाई अब जाहिर सी बात है वो टेक्निकल नहीं है, टेक्निकल बातें आप हो, अब आपका ये काम होगा कि जो टैक्स की टेक्निकल रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से आप ट्रांसलेट करके बताएं कि भाई मुझे ये चीज रिक्वायर्ड है जो मुझे आगे फाइल करने के लिए। अब जैसे सिंपल सी मिसाल है, अब हमारी फाइनेंस की टेक्निकल टर्म है यार हमें अकाउंट्स चाहिए, अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, जो मुख्तसर अगर हम सेट के लिए कहें तो ये चीज दो चीजें होंगी, ना कैश फ्लो होता है ना स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी होती है, लेकिन हमको प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट में चाहिए। अब आप उसको बोले हमें अकाउंट चाहिए, यार कौन से अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए आप, अब क्या है ये, क्योंकि वो टेक्निकल बंदा नहीं, वो टेक्निकली उसके लिए अकाउंट के मतलब कुछ और है, वो समझते बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट। लेकिन हमें हमारा हो गया, हम कहेंगे अच्छा कि आपके कंपनी का कोई खाता मेंटेन होता है, अब उसको भी हमने देखना है कि जितने ज्यादातर हमारे SME जो बिजनेसेस वाले हैं वो क्या करते हैं कि सिंगल एंट्री चला रहे होते हैं,
ये रिसीव हुई, ये पेमेंट हुई, खत्म। अब वो आपने स्टेटमेंट उससे डिटेल्स लेनी है, फिर वो उसके अकाउंट्स बनाएंगे, उसके हिसाब से प्रेजेंट करेंगे, सर ये आपकी एक्चुअल पोजीशन आ रही है, ये बैंक में आ रहा है, आपने एक्टिविटी ये की है। क्योंकि हमारा जो काम है कि मेरी एक्चुअल फाइनेंशियल एक्टिविटी जो असल में मेरा कच्चा पक्का मिला के वो मेरी होगी एक्चुअल फाइनेंशियल एक्टिविटी, फिर होती है मेरी डॉक्यूमेंटेड फाइनेंशियल एक्टिविटी। डॉक्यूमेंटेड क्या हो, जिसका कोई ना कोई एविडेंस हो, चाहे आया वो बैंक के थ्रू मैंने काम किया हो, या मिसाल के तौर पे क्लाइंट को मैंने सेल की है, क्लाइंट ने मेरी पेमेंट काटी है, या मैं अपने घर की बिजली के बिल भर रहा हूँ, मैं अपने बच्चों की स्कूल की फीसें भर रहा हूँ, मैं अपनी कोई प्रॉपर्टी का सौदा कर रहा हूँ, मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ, अब सारी चीजें शिनाख्ती कार्ड से लिंक कर दी है। अब वो आईआरएस का एक पोर्टल है, मालूम अगर आप फाइलर नहीं है उस पर रजिस्टर होकर देख सकते हैं कि भाई मेरी एनटीएन के अगेंस्ट क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई है। और वो हमें बस ट्रेलर दिखाते हैं कि भाई आप जितना छुपाने छुपा लो, ये डेटा हमारे पास है जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। नहीं, मालूमात की अलग पोर्टल है, MIS तो अगर फाइलर है तो वो वाली रिपोर्ट है, मालूमात की अलग पोर्टल है कि अगर आप फाइलर नहीं है आप उसको रजिस्टर होकर देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो हमें ट्रेलर देते भाई आप हमें बनाए नहीं, हमारे पास इसका एक्सेस है, आपके शिनाख्ती कार्ड के हिसाब से अब आप डीसी ऑफिस में आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराएंगे, वो चलान 236 की सी या 236 के का चलान बनेगा कि आपने प्रॉपर्टी आया सेल किया परचेज किए, फिर गाड़ी लेने जाते हैं एक्साइज में टैक्स का मामला होते हैं, फिर आप बैंक में काम कर रहे हैं, बैंक की कोई भी रिसीट और पेमेंट आपकी होती है तो वो जो कहते हैं ना लोग कहते हैं बड़े वो स्मार्ट बन रहे होते हैं कि यार कंपनी अकाउंट में नहीं यार पर्सनल अकाउंट में कंपनी ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, भाई वो पर्सनल अकाउंट भी तो आपके नाम पे है ना, ठीक है, वो शनाख्ती कार्ड से आपकी लिंक है और उसमें कोई एड ऑफ ट्रांजेक्शन होती है। अब स्टेट बैंक के कवानीन है 10 लाख से ऊपर कोई ट्रांजेक्शन करता है वो फ्लैग करेगा, चाहे फाइलर हो या नॉन फाइलर हो, और नॉन फाइलर हो वो तो वैसी नजरों में होता है कि यार इसके इतनी बड़ी पेमेंट आई क्या है। मुझे याद है कुछ अरसे पहले की बात है, अब मैं उस वक्त स्टूडेंट था, मेरे खालू ने अपनी गाड़ी बेची थी करोला, मेरे खालू आउट ऑफ कंट्री थे, तो मेरा बैंक अकाउंट खुला हुआ था, उन्होंने कहा आप एक काम करें ये मेरे भांजे के उसमें ना पेआउट दिलवा दीजिएगा, मैं ठीक है भाई उन्होंने पैसे जमा करा दिए। अब मैं उस वक्त स्टूडेंट, अब मेरे क्या थे कभी ईदी वीदी जमा हुई, कभी वो हुआ छोटी चुटपुट कहीं इधर उधर कुछ पैसे बन गए, 10-15-20-25 हज़ार होते थे कभी कभी, और 3 महीने तो 40-50 हज़ार हो, वो एकदम से ठक करके 15 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ गए। वो बैंक वाले उठ के खड़े हो भाई कहाँ से आए, हमें हेड ऑफिस से आया, उनके फंड रिलीज नहीं करने थे, फिर उन्होंने पूरी एविडेंस ली कि भाई आपने सेल डीड क्या सेल डीड गाड़ी की जो होती है डिलीवरी ऑर्डर पे ऑर्डर वगैरह कॉपी यार ये फलाने साहब की थी इन्होंने की थी, हेड ऑफिस पे की, फिर उसके उन्होंने मेरा अकाउंट से वो डेबिट ब्लॉक खोला कि भाई आप ये पैसे निकाल सकते। अभी भी यही है, आप कोई भी सस्पिशियस या आउट ऑफ द ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन आप करते हैं बैंक में, आपको कौन बैंक से फोन आते भाई क्या सीन है, मेरे पास मतलब मैं तो कंपनी चला रहा हूँ अपनी, मेरा वो मेरे पास पिछले दिनों बाहर का असाइनमेंट हम लोग कर रहे थे तो वहां पर रेमिटेंस गिरी, तो रेमिटेंस गिरी मेरे अकाउंट में आती रहती रेमिटेंस, वो हर रेमिटेंस को बुला लेते कि भाई ये किस खाते में, हालांकि हम लोग तो फॉरेन एक्सचेंज का फायदा करा रहे, लेकिन नहीं भाई आप बताइए, ये हमारी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का सिलसिला है, आप बताइए सोर्स ऑफ फंड क्या है, बाहर किस मद में आया है, किससे आया है, आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर उनसे हुआ है कॉन्ट्रैक्ट दिखाएं, उसके बगैर हम आपको फंड आपके अकाउंट में नहीं गिराएंगे। तो अब डॉक्यूमेंटेशन इतनी बढ़ती है, तो आपको ये 3-4 चीजें हमें पता होनी चाहिए भाई, एक्चुअल मेरी फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या है, मेरी डॉक्यूमेंटेड फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या है, और फिर मैं दिखा क्या सकता हूँ। तो टेक्निकली अगर हम बात करें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल बात करेंगे, हम खाली बुकिश बात नहीं करेंगे भाई ऑर्डिनेंस ये कहता है, हम बात करेंगे भाई, मैं भी अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा, और हम लोग इसलिए अपने जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं प्रोग्राम में हम उनको पार्टिसिपेंट्स कहते हैं, हम उनको स्टूडेंट्स नहीं कहते, क्यों, क्योंकि आप लोग सब माशाल्लाह से प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपके पास है और आपके पास अलग अलग किस्म का एक्सपीरियंस है, और आप लोग अपनी अलग इंसाइट देंगे भी आपके स्पेसिफिक सेक्टर इंडस्ट्री में
क्या इनपुट आ रहा है, क्या नई चीज आ रही है, वो मेरे लिए भी काफी बातों का नहीं है। जैसे अभी पिछले बैच से हमारे पास एक पार्टिसिपेंट थे, तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त उन्होंने बात करी। अब बात होती है एक्सपेंसेस क्लेम करने की, तो अब बिजनेस में होते हैं कि वो प्रैक्टिकली एक बात हमारी हो रही थी कि बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस का फायदा क्या होता है कि भाई आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस भी तो वो डाल देते हैं कर देते हैं। तो उन्होंने बता दी कि एक कंपनी थी कि उनकी एसेट्स में ना ये जानवर वगैरह भी आ रहे थे, तो जानवर वगैरह भी आ रहे थे, तो जानवर की जो फीड वगैरह है वो भी इसमें डाल देंगे। कहते हैं उनकी ना फैमिली काफी हाई फाई थी, तो उनके घर में पालतू कुत्ते भी थे काफी बड़े महंगे महंगे, फिर कुत्तों के खाने के पैसे वो भी कंपनी के खाते में डाल देंगे। तो क्या वो एक प्रैक्टिकल इंसाइट है कि भाई हम जिस तरीके से उसको लोग कर रहे हैं, प्रैक्टिस क्या चल रही मार्केट में, ऑर्डिनेंस क्या कह रहा है, ये एक चीज है, प्रैक्टिकल क्या इंसाइट है, और दोनों का ब्रिज क्या है कि हाँ भाई ये प्रैक्टिस जो है ये आप पॉसिबल भी है सही फॉलो करने, या कोई पकड़ेगा तो फिर बड़े मसले हो जाएंगे। अब जैसे हमारे पास अक्सर केसेस आते हैं, सेठ आते हैं, वो बड़े बड़े काम करते हैं, तो उनकी करोड़ों में आमदनी होती है, कहते हैं यार मेरा पिछला बंदा ना बड़ा जबरदस्त था, वो ना मुझे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। अच्छा, हम फिर डेटा मांगते हैं हम लोग, भाई आप सर आप डेटा अपना। अब उन सामने दिखाया हुआ है कि भाई मेरी 4 लाख की आमदनी पे कोई टैक्स नहीं है। अच्छा भाई, काम असल में जो बंदा एक्चुअल में करोड़ों में काम कर रहा होगा उसके बच्चे वही लेवल पे पढ़ रहे होंगे, ठीक है, जो करोड़ों में काम कर रहा होगा वो कोई ना उसकी बिजली का बिल घर का कम से कम लाख रुपए से कम का तो नहीं आता होगा। गाड़ी मतलब इतनी आमदनी है तो 50-60 हज़ार लाख रुपए से कम का यूटिलिटी बिल नहीं होगा। एक दो बच्चे भी, एक बच्चा भी अगर पढ़ा ले तो अभी 30-40 हज़ार से कम का तो है नहीं, वही लेवल का खर्चा। अब उन साहब के 3-4 बच्चे थे, 3 बच्चे थे, और उनकी तकरीबन बच्चों की 1.25 लाख रुपए महीने की फीस जाती थी। बच्चे किसकी सलाह थी कार्ड वगैरह, ऐसी बात है मैं तो अब्बा हूँ, मेरा नाम ही आ रहा होगा। अच्छा भाई, घर के बिजली का मीटर किसके नाम पर, ऐसी बात है मेरे नाम पर ही है। अच्छा भाई, तो सर आपने यूटिलिटी बिल दिखा है, तो हमने कुछ नहीं किया, और उनको कहा सर मैं खाली आपके 2 एक्सपेंसेस हम लोग टोटल करते हैं, आपके इन 2,000 का टोटली साल का 18 लाख रुपए, आपने कोई और जरा आमदनी दिखाई भी नहीं है कभी भी, ये इवेजन के ऊपर खाली 2 चीजें उठा लेंगे कि आप ये 18 लाख रुपए साल के आप कहाँ से पूरे कर रहे हैं, ना इसमें हमने लिया कि खाने पीने का 14 तक का खर्चा, ना हमने लिया कि घर का कोई खर्चा, ना आपका गाड़ी का अपना आने जाने का खर्चा, कुछ भी नहीं, खाली ये 2 आइटम है, घर की बिजली का बिल और बच्चों की फीस। हाँ यार बात तो सही है यार। तो अब जब तक आपको बेस पता हो और चीजें पता हो उसके हिसाब से आप उनको लॉजिकली अपने क्लाइंट को वो करें, और बाकी आप इसकी फिक्र नहीं करें। देखिए मार्केट में इस वक्त 2 किस्म के क्लाइंट घूम रहे हैं, एक वो जो प्राइस पॉइंट पे भाग रहे हैं, 500 रुपए के लिए आपको छोड़ देंगे, ठीक है, और कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो आपको क्वालिटी सर्विस आप देंगे, आप अपने रेट भी डबल कर रहे हो, तो पता है कि भाई ये बंदा मेरे, अब हम इसे ऐसे कहते हैं कि भाई आप ऐसे सफर करें, आप फैमिली के साथ आउटिंग में जाते हैं, अब 5-10 हज़ार क्या है, कोई मायने नहीं है, अब इतना तो खर्च कर देंगे ना, आप समझे आप फैमिली के साथ 2 मरतबा आउटिंग में चले गए, या फिर समझे कि आपके लाखों करोड़ों के एसेट्स हैं, आप उनकी फीस दे रहे हैं कि भाई मेरे टैक्स में मामला मेरे खराब नहीं है, वो तो परसेंटेज टर्म में कुछ भी नहीं है। तो इस किस्म से तरीके से हमें चीजें लेके चलनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारा कोर्स आउटलाइन है थोड़ा डिटेल में मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूँ। प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन में बात करेंगे, जो आज थोड़ा हम डेमो में कवर करेंगे, फिर सैलरी इनकम में बात करेंगे, बेसिस इनकम, प्रॉपर्टी इनकम, कैपिटल गेंस टैक्स। अच्छा, कैपिटल गेंस टैक्स के अंदर 2 हिस्से हैं, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का है और हमारा गेन एंड लॉस ऑफ सिक्योरिटीज का है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे IRS के पोर्टल पे बात करेंगे, FBR के पोर्टल के अलग बात करेंगे हम लोग, सेल्स टैक्स पर बात करेंगे, सेल्स टैक्स के रूल्स क्या हैं बेसिक हम लोग इसका इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, फिर रिटर्न फाइलिंग की ट्रेनिंग होगी जिसमें आपको टेम्पलेट वगैरह दिए जाएंगे, जिसमें FBR IRS के फॉर्म्स के टेम्पलेट्स बने हुए होंगे एज इट इज मुसाइड होंगे, और उसके हिसाब से आपको कि मैंने वर्किंग कैसे करनी है, क्या करनी है, वो प्रॉपर हम लोग प्रैक्टिकल केसेस हम लोग करेंगे।
इसमें थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूं कि प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन में हम लोग हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन की बात करेंगे, टैक्सेशन अथॉरिटीज हमारी क्या है पाकिस्तान में, टैक्सेशन रिजीम्स किस किस्म की हैं, फिर सैलरी इनकम में हम देखेंगे कि भाई टैक्सेबल सैलरी क्या होती है, क्या टैक्सेबल सैलरी नहीं होती, फिर सेक्शन 149 क्या होता है, इसका एम्प्लॉयज पे क्या असर होता है, फिर हम लोग किस तरीके से सैलरी टैक्स कम कर सकते हैं, प्रैक्टिकली क्या तरीकेकार है, ऑर्डिनेंस में क्या तरीकेकार मौजूद है, फिर उसके बाद रिलीफ क्या अवेलेबल है, मिसाल के तौर पे बच्चों की फीस पे रिलीफ अवेलेबल होता है, जो टीचर काम कर रहा था उसकी से उस पर रिलीफ अवेलेबल होता है, फिर टैक्स, फिर हम बात करेंगे बिजनेस इनकम पे, बिजनेस इनकम पे करेंगे कि जो हमारे विदहोल्डिंग टैक्स रूल्स हैं वो क्या है, 153 क्यों है वह, उसका हमारे ऊपर एज अ फॉर फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ रिसीट्स रिसीविंग के लिए और फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ पेमेंट्स हमारे लिए क्या क्या है मैम, फिर अकाउंटिंग मेथोडोलॉजी में क्या फर्क आएगा हमारे उसमें और क्या क्या अकाउंटिंग मेथोडोलॉजी अलाउड है ऑर्डिनेंस में, फिर सेल्स टैक्स का रिकंसिलिएशन क्यों है हमें बिजनेस के लिए, फिर रिलीफ्स क्या हमें अवेलेबल है बीइंग अ बिजनेस, फिर मार्केट प्रैक्टिस क्या चल रही है, केस स्टडीज क्या है, जैसे मैंने अभी बात की कि वो घर के पालतू कुत्तों के भी खर्चे उसके वो कर देते थे, एक और हमारे क्लाइंट थे वो क्या करते थे कि उन्होंने अपनी पर्सनल गाड़ी लीज पे निकलवाई थी, उन्होंने कंपनी खाते में डाल दी थी कंपनी की गाड़ी है और उसका रेंटल कंपनी खाते से जा रहा होता था, फिर FVR पोर्टल्स में जैसे अभी MIS रिपोर्ट का जिक्र हुआ था वो है, फिर और क्या क्या सेल्स टैक्स की हमें क्या इम्पैक्ट होगा इसके ऊपर, फिर इसके बाद प्रॉपर्टी इनकम हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें टैक्सेबल रेंटल इनकम क्या है हमारी, फिर डिडक्टेबल अलाउंसेस क्या है, इसमें टैक्स प्लानिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं और कितने भी सोर्सेज ऑफ इनकम है सबका हम लोग टैक्स प्लानिंग की जरूर बात करेंगे, जो सबसे अहम है क्योंकि फाइलिंग करना इतना मुश्किल काम नहीं है, फाइलिंग तो कोई भी कर देगा, आपको पता है 3 फॉर्म्स मैंने भरने हैं टक टक करके, नंबर मैंने अपलोड करने, कंट्रोल से कंट्रोल भी करके वो मेरा मामला हल हो जाएगा। मेरे पास एक इंटरव्यू के लिए बच्चा आया था, उसने कहा था मैं सर मैंने 2 साल मैंने निकाले हैं ये एक टैक्स फॉर्म में और 2 साल में, मैंने कहा चलो मैं और तुमने काम किया कि सर मैं फाइलिंग करता था, खाली फाइलिंग करता हूँ, और उस बेचारे ने खाली फाइलिंग का मतलब खाली फाइलिंग ही की थी, उसको कह रहा कि सर हमारा टेम्पलेट बना हुआ था, मेरे जो सीनियर थे मुझे नंबर सेट करके दे रहे बेटा तुम ये अपलोड कर दो, तो मैंने कहा तुमने 2 साल में ये नहीं पता कि नंबर कैसे बना है, कहते नहीं सर मुझे नहीं पता है, मुझे कहते आप अपलोड कर दो, तो उसने 2 साल तो वहां बर्बाद किए, भाई आप कंट्रोल सी कंट्रोल भी तो आप 15 दिन में सीख जाओगे यार ये चीज यहाँ पेश करनी है, एक्सेल पे टेम्पलेट बना हुआ है आपके पास वो उसको डुप्लीकेट करना है, ये चीज यहाँ पर जब यहाँ कर दो टोटल चेक कर लेना, फीडिंग की है डेटा एंट्री का काम किया, तो वो कोशिश होगी हमारी कि यहाँ पे वो चीज हम लोग नहीं करें, सारी आपको टैक्स प्लानिंग का एलिमेंट मेन है आपको कि टैक्स प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, टैक्स प्लानिंग के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, किस तरीके से आप लोग वो कर सकते हैं। अच्छा फिर इसके बाद कैपिटल गेन्स टैक्स में हम बात करेंगे कि कैपिटल गेन्स टैक्स इनकम टैक्स से और कैपिटल गेन्स टैक्स में क्या फर्क है, सिक्योरिटीज और इनमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या फर्क है, फिर अभी रिसेंटली सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था दिसंबर में 7E वाला, उसका इनकम टैक्स और कैपिटल गेन्स टैक्स से क्या लेना देना है, फिर अब कैपिटल गेन्स टैक्स में हम लोग प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, उसमें लीगल टाइटल ऑफ एसेट ट्रांसफर का क्या रोल है, फिर इसके अलावा जो DC ऑफिस का जो रोल है वो क्या है, लीगल हमारी उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स है वो करने के लिए, फिर IRS पोर्टल में जैसे भी मालूमात की बात हुई थी, फिर टैक्सेशन रिपोर्ट्स और पेमेंट्स क्या है, GST फाइलिंग की थोड़ी इंट्रोडक्शन दे देंगे, फिर चालान जनरेशन के लिए E.FVR का यूज होना, फिर वेरिफिकेशन पोर्टल्स हैं, मुख्तलिफ स्टेटस क्या है जो वेरिफिकेशन के लिए हो सकते हैं, एक्टिव टैक्स पे वेरिफिकेशन होती है, सेल्स टैक्स की वेरिफिकेशन होती है, फिर उसके बाद FVR की अपनी टैक्स पे प्रोफाइल की वेरिफिकेशन होती है, फिर सेल्स टैक्स में GST के रूल्स क्या है, जो प्रिंसिपल्स हैं जनरल, VAT मोड क्या है, इनपुट आउटपुट टैक्स का क्या है, इनवॉइसिंग रिक्वायरमेंट क्या होती है, किस इनवॉइसिंग कॉन्टेंट क्या होने चाहिए, डिस्काउंट का क्या सिलसिला होता है, नॉन रिटर्न फाइलिंग क्या होती है, SRB और GST फाइलिंग में क्या होता है, थोड़ा बहुत नेविगेशन भी आप उसमें कराएंगे, फिर रिटर्न फाइलिंग जो पैरेलल सारे सोर्स ऑफ इनकम के साथ, इसमें इनकम फॉर्म क्या है, वेल्थ स्टेटमेंट क्या है, रिकंसिलेशन ऑफ इनकम टू वेल्थ क्या है, प्रैक्टिकल
केस स्टडीज लेके चलेंगे कि क्या चीज आपके पास डेटा मौजूद है, क्या डेटा मौजूद नहीं है, आप कैसे उसको वो करेंगे। फिर इसके बाद मैं अभी हमारी टेंटेटिव है जो आप लोगों के फीडबैक के बाद उसमें और चीजें एक्सपैंड कर रहे हैं कि ये है जो एडवांस मॉड्यूल हमारा एक मंथ वाला होगा उसके अंदर हम ये डिस्कशन करेंगे कि एक हमारे पास इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन फॉर वेरियस फॉर्म्स, जैसे आपकी कंपनी आ गई जिसमें आपकी है नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आ गई, पार्टनरशिप आ गई, सोल प्रोप्राइटरशिप आ गई, इंडिविजुअल आ गया, टैक्सेशन इश्यूज पे और पे थोड़ा डीप डाउन बात होगी हमारी यहाँ पे। अच्छा फिर इसके बाद विदहोल्डिंग टैक्स मैटर्स 150C का हम लोग यहाँ पे सर्जरी से बात करेंगे, बेसिक मॉड्यूल में यहाँ पे बिल्कुल इन डेप्थ बात करेंगे 153 के, 153 क्या है, क्यों जरूरत है, उसके अलावा और विदहोल्डिंग टैक्स सेक्शंस कौन से हैं, कब और किधर इस्तेमाल होते हैं, इम्पोर्ट्स का कौन सा है, एक्सपोर्ट्स का कौन सा है, मिनिमम टैक्स कौन सा है। फिर इसके बाद जो यहाँ पे जो असल वजह जिस वजह से ये मॉड्यूल हमने खड़ा किया है दो मेन थे, एक तो सेल्स टैक्स की सेक्टोरल सेक्टर वाइज थोड़ा हमें ट्रेनिंग देनी थी, दूसरा हमने करना था कि FPR के और जो टैक्स अथॉरिटी से कॉरेस्पॉन्डेंस के मामला थे वो कैसे हैंडल करने, अपने क्या प्रोसीजर होता है, आपके पास नोटिस आया है, नोटिस पढ़ते कैसे हैं, नोटिस में पढ़ने की जरूरत क्या क्या चीजें, सेक्शन रेफर किए हैं उसका क्या मतलब होता है, नोटिस के बाद हमारा ड्यू प्रोसेस क्या होता है आप, ताकि आप फ्लैग कर सके कि भाई मेरे साथ FPR ने कोई नाजायज काम तो नहीं कर दिया। कि अब जैसे मैं अगर सिंपल बात करता हूँ कि अगर FPR कोई नोटिस इश्यू करता है तो उनके पास तकरीबन 4-5 स्टेजेस होते हैं जिसमें वो बात करते हैं। पहले आपको नोटिस इश्यू होगा कि भाई आपका ये आप अपना जवाब दें, आप जवाब दिए आपको 3-4 रिमाइंडर इशू करेंगे, 3-4 रिमाइंडर इशू नहीं करते फिर डिमांड नोटिस शुकॉज के पास डिमांड नोटिस इशू हो जाएगा, और फिर उसके बाद अगर तब भी आप वो नहीं करते तो फिर उसके बाद वो फिर ट्राइब्यूनल से फिर ऑर्डर जारी होगा कि आप इनका डेबिट ब्लॉक कर लें, और इस पूरे प्रोसेस में टाइम पीरियड में तकरीबन एक से नौ महीने से साल भर का दौरानिया होता है। उसमें कोई भी आपको ये हम लोग बताएंगे भी क्या आपने चीजें कवर करनी है, किस तरीके से आपको कर सकते हैं। अच्छा फिर इसके बाद रिफंड का क्या प्रोसेस होता है, वो तो खैर ये तो प्योरली रिफंड वाला मामला है, तकरीबन प्योरली ये टेक्स्ट बुक वाला काम है, FPR में पैसे जाना तो वापस नहीं आते, ठीक है। बट जनरली स्पीकिंग कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हमारे हैं उनको रिफंड अलाउ होते हैं, बट ऑन पेपर रिफंड है, मैकेनिज्म है, उसका क्या रोल है वो भी हम आपको उसमें कंपेयर वो करेंगे। अब पीस का क्या प्रोसीजर है, सेल्स टैक्स में क्या है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंटल कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या है, RTO की क्या सिलसिला होता है कॉरेस्पॉन्डेंस का, ट्राइब्यूनल का अगर सिलसिला है तो क्या है, कमिश्नर अगर कर रहा है असिस्टेंट कमिश्नर बात कर रहा है किस तरीके से बात करनी है, क्या आपने बात करनी है, वो इसके अंदर हमारी टेंटेटिव आउटलाइन है एडवांस टैक्स वाली मॉड्यूल की जो हम लोग इंशाल्लाह ईद के बाद बात करने का हमारा इरादा है। तो लेकिन जिसकी मैं रिकमेंड करूँ जिसके पास टैक्स की नॉलेज नहीं है तो वो पहले वो ले और उसके बाद देखेंगे आया मुझे आगे के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अच्छा तो अब थोड़ा सा हम लोग कंटेंट कोर्स कंटेंट कवर कर लेते हैं कि हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन पाकिस्तान क्या है, फिर टैक्सेशन अथॉरिटीज क्या है, फिर टैक्सेशन रेजिम्स हमारी क्या है। अभी ये तकरीबन 15-20 मिनट हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग सबकी क्यूरीज की तरफ जाएंगे। अच्छा हम लोग क्योंकि बीइंग अ कॉमनवेल्थ कंट्री, कॉमनवेल्थ कंट्री क्या है, कॉमनवेल्थ कंट्री हमारी है जो पहले क्राउन के अंडर में होती थी या जिसे कहते हैं ब्रिटिश रूल के अंडर में होती थी तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहलाती है। क्योंकि पाकिस्तान कॉमनवेल्थ है तो हमारा लॉ जो है इन प्रिंसिपल यूके का इम्पोर्टेड है, और आपने आगे भी देखा होगा हम लोग सब चीज तकरीबन वहां से कॉपी पेस्ट करके कर लेते हैं। तो काफी अरसे तक जो अंग्रेजों ने हमें इनकम टैक्स के कानून दिए थे, इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1922, वो ही अडॉप्ट कर ली थी पाकिस्तान ने, हमारे पास लेजिस्लेशन नहीं आई। लेजिस्लेशन हमारी अपना आइन जो था हमारा पहला हमारा आइन 1953 में शायद पहला आइन आया था मेरे पास, ये 51 में और इसको 58 में भी आया था। तो आइन हमारा आज इनकम टैक्स लॉज हमारे बहुत बाद में आया। अच्छा फिर हमारे पास के
पहले वो सेंट्रल रेवेन्यू का नाम था, बाद में इन्होंने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कर लिया एफबीआई ने अपना नाम। फिर एफबीआई का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता दें कि भाई ये जो मुख्तलिफ लेजिस्लेशन है जो एफबीआई कर रहा है। अब एफबीआर के बाद हमारे पास 18वीं तरमीम आई है जो पीपल्स पार्टी के दौर में तकरीबन 2008-09 के दरमियान, तो उसमें क्या हुआ था केस गुड्स और सर्विसेज के अंदर सेल्स टैक्स को बाइफर्केट कर दिया था। पहले क्या होता था सर्विसेज भी टैक्सेबल विफाक करती थी गुड्स भी, गुड्स जो टैक्स होते थे वो होते थे सेल्स टैक्स एक्ट के तहत और सर्विसेज होती थी फेडरल एक्साइज ड्यूटी के तहत एफईडी। इसलिए अभी भी आप देखें काफी पुरानी चीजें उनमें एफईडी लगी हुई है, जैसे बैंक के अंदर एफईडी काफी चीजों में लगी हुई आती है, वो इसी चीज की बैंक बैंक जो सर्विस है ऐसा भी देना चाहिए। तो जो पहले से एफईडी की एम्बिट में सर्विसेज थी वो उन्होंने एफईडी में ही रहने दी, उसके बाद जो नई सर्विसेज आइडेंटिफाई की हैं वो प्रोविंशियल डोमेन उन्होंने कर दिया। फिर एफबीआर के जो चार मेजर विंग्स हैं सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स और इनकम टैक्स। फिर जो टैक्सेशन अथॉरिटीज हमारी की हैं एफबीआर है, एफबीआर के बाद हर प्रोविंस की अलग है, जिसमें सिंध रेवेन्यू बोर्ड एसआरपी है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी पीआरए, बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी बीआरए और केपीके पीआरए केपीआर है। ठीक है, अच्छा फिर हम लोग बात करते हैं थोड़ी बहुत टैक्सेशन रिजीम्स की। तीन मेजर टैक्सेशन रिजीम्स चल रही है पाकिस्तान में, एक है फाइनल टैक्स रिजीम, एक है नॉर्मल टैक्स रिजीम, एक है मिनिमम टैक्स रिजीम। फाइनल टैक्स रिजीम जो आपकी है, अगर मैं तीन हमने बड़े इसके मुख्तसर सी डेफिनेशन बनाई है, फाइनल टैक्स रिजीम है एफबीआर का भाई, एफबीआर ने कहते हैं ये है जो है, मतलब एक्सोर्स कट गया कहानी खत्म। दूसरी है नॉर्मल टैक्स रिजीम, खाता कैलकुलेट किया हाँ भी इतने दे दो। तीसरा है मिनिमम टैक्सेशन, ये तो तुम लोगों ने दे दिया और कितना दोगे। ठीक है, तो ये तीन हमारे टैक्सेशन रिजीम्स है। फाइनल टैक्स रिजीम वो होती है कि जिसमें हमने और इजाफी नहीं देना होता, जो हमारे सबसे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल इसका है जो आपका बैंक में बैंक प्रॉफिट पे कटता है, बिल्कुल इम्पोर्ट पे कटता है, तो उस पर क्या होता है फाइनल टैक्स कट गया आपका तो आपको इसके अलावा कोई और जमा कराने की जरूरत नहीं होती। फिर नॉर्मल टैक्सेशन क्या होती है कि आप इनकम टैक्स स्लैब्स के तहत अपनी कैलकुलेशन करते और उसमें फिर आप वर्किंग करते हैं, अच्छा मेरी इतनी टैक्स लाइबिलिटी बनती है। फिर हमारी आती है मिनिमम टैक्सेशन, मिनिमम टैक्सेशन क्या होती है जो 153 था पहले फाइनल टैक्स में था, काफी क्लॉजेस के उन्होंने काफी शिफ्ट कर दी मिनिमम टैक्स पे। अब क्या है मिनिमम टैक्स क्या है कि कम से कम मैंने इतना दे दिया मेरे रेवेन्यू पे कट गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इतनी जबरदस्त करते हैं कि मिनिमम टैक्स हमारा जो कटता है हमेशा रिफंडेबल निकलता है। आप कोई भी उठा के देख लें, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कोई 90-99% ऐसे कारोबार होंगे। नहीं नहीं ये तो मैं ये कह रहा हूँ, नहीं नहीं ये मैं बात ये कर रहा हूँ मिनिमम टैक्स की बात ही कर रहा हूँ। अगर आप सेल्स रजिस्टर्ड भी होंगे ना तो, और आप ऐसे सेक्टर में काम करें जहाँ पे आपकी पेमेंट्स में पैसे कटते हैं, ठीक है, अगर आपकी मेजोरिटी सेल पे 800 पैसे कट रहे, मैं गुड्स बेचो 4.5% कटवा रहा हूँ, अब जो उन्होंने 5.5% कट दिया और या सर्विसेज दे रहा हूँ 10% कटवा रहा हूँ, अगर जो इन्होंने बढ़ा के 11.5% कर दिया इंडिविजुअल्स के लिए, तो उस पर मेरी क्योंकि रेवेन्यू में मेरी एक चीज कट गई तो आगे मेरा वो हो गया। अच्छा मैं अपने पार्टिसिपेंट को सबको बता दूं, आपको सबको डिस्कशन का हम लोग तकरीबन 15-20 मिनट में मौका देंगे, 4:30 तक थोड़ा हम लोग वो रखेंगे, उसके बाद क्यू एंड ए के लिए हम लोग पहले चैट पे गो थ्रू कर लेंगे फिर बाकी सबसे के करके हम लोग क्यूरीज ले लेंगे। ठीक है, तो वो मेरा एड सोर्स जो मेरा ऊपर कट गया टॉप स्लैश मेरा कट गया। अब बिजनेस देता है प्रॉफिट के ऊपर टैक्स, मिनिमम टैक्स कटता है आपकी सेल के ऊपर, ठीक है, जो भी मेरी रिसीट हुई उसके ऊपर मेरा टैक्स कटता है। तो इसलिए अब मैं 100 रुपए की चीज बेचूं 4,500 रुपए टैक्स दे रहा हूँ, मैं जब 100 रुपए की चीज पे अगर मिसाल के 10 रुपए कमा रहा हूँ तो
उसका तो ऑब्वियसली मेरा तकरीबन हर बार मेरा वही निकलेगा रिफंडेबल, और नहीं भी निकलेगा हम लोग निकाल देंगे, फिक्र नहीं करेंगे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंसल्टेंट्स इतने जबरदस्त बैठे। ठीक है, तो अब हमारी जो बात हो रही थी कि एट सोर्स मुख्तलिफ सेक्टर में इन्होंने, अब वही विदोल्डन टैक्स शुज हम पढ़ेंगे कि जो बेसिक वाले कोर्स 153 पढ़ेंगे तो उसमें पेमेंट्स और गुड्स एंड सर्विसेज बेसिकली वो, तो वो तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ सेक्टर्स को वो कवर कर लेता है। ठीक है, तो उसका क्या सिलसिला है वो हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, फिर हमारा जो हमारे कोर्स की आउटलाइन है, यार एक प्लीज आउटलाइन को बना लो। तो अभी ये हमारी वो है, तो अब हम थोड़ा रैप अप कर लिया। यार सर फरहान तो पीछे वो आएंगे, अच्छा तो अब हमारा ये तकरीबन कोर्स का जो डेमो का हिस्सा है वो तकरीबन रैप अप हो गया। अभी हम लोग चलते हैं सबसे पहले चैट्स पे कि लोगों ने क्या सवाल किए हैं, और यहाँ पीछे दौड़ी गए। अच्छा, तो अभी पहले हम लोग जो फिजिकली हमारे साथ मौजूद हैं, जी आप लोगों के कोई सवाल आते हैं कोर्स के लिहाज से या कोई और चीज़? देखिए सारा कुछ है, मैं बता देता हूँ। इनकम टैक्स की जो रिटर्न है हमारे पास बैंक अकाउंट से पूरा बैलेंस है, सारा बिल्कुल बिल्कुल पूरा प्रोसेस जो है, हम तैयारी कैसे करते हैं, कैसे करेंगे वो सारी चीज, रिटर्न कैसे प्रिपेयर होगी, सारा बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। जी किसी और कोई सवाल? वो तो वही एक्सेल खोल के देखते हैं ना, वही देखते हैं, उसकी फार्मूला कभी भी नहीं बताते, मैंने कंपनी के साथ मीटिंग कर ली था वो कभी भी हमें इसका फार्मूला नहीं, वो भी ये होता है उन्होंने हायर करी कुछ सेल्स कंसल्टेंट, वो भी तुझे बस सर के बेसिक बेसिक बताते हैं, लेकिन कभी कंपनी में किस रेशियो के तहत कुछ करते हैं, क्या वो प्राइवेट सेक्टर है भाई पब्लिक लिमिटेड है, इसको कॉर्पोरेट में इसको प्रोफिट सर्विस, तो उसमें भी एनएक्सएल एफ के अलावा बहुत सारे ऐसे एचडी आर एस है, वो एडवांस वाले में नेक्स्ट वाइज बेसिक में कवर है। हां जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो हमें जब क्रिएट करी थी उसको आप सबमिट कर देना, अब सेटे सिस्टम कंपनी में क्या हो रहा है जब वो बन जाती है मैं सबमिट करता हूँ तो जनरल मैनेजर देखो बेटा इसकी जो कमिटी की है उनको किसी कंसल्टेंट ने आके जो समझा दिया तो बच्चा नहीं होगा, पटे ही नहीं है, ठीक है, तो वो कहते हैं सर एक काम करो जो पेमेंट आएगी जमा कर, फिर कुछ इदारे ऐसे कहते हैं बेटा एनएसएससी लोगे तो पेमेंट करेंगे, तो साइड आके ब्लॉक हो गए, बिल्कुल मैं एनएसएससी नहीं दे पा रहा क्योंकि कंपनी कहते पेमेंट आएगी जब देना, वो कहता है जब तक एनएसएससी नहीं लोगे मैं तो सेल टैक्स रुक रहा हूं नेट पे पेमेंट, बिल्कुल काफी कुछ चीजें एडवांस से भी की जो मैंने कॉल पे भी आई थी उसके हिसाब से भी बात हुई, मैं बोल रहा हूं एडवांस से भी रख सीखना चाहता हूं, बिल्कुल बिल्कुल इसी पे पूछना चाहता हूं शामिल है सारी का एडवांस में, देखिए जो ये इस वाली चीज के जिक्र कर रहे हैं जो प्रैक्टिकल क्लाइंट विदहोल्ड कर रहे नहीं कर रहे, वो लोग बिजनेस वाले अपने एकदम ना कवर करेंगे,
जहाँ तक डिटेल लेक्चर वाइज ट्रेनिंग की बात है वो सेल्स टैक्स की वो हम लोग एडवांस वाले में उसे कवर करेंगे। हाँ मैंने बेसिक आउटलाइन यहाँ पे मैं शेयर की एडवांस की जो है ना जो इसमें सेक्टर वाइज सेल्स टैक्स ट्रेनिंग है उसके अंदर काफी तब चीजें उसको एड्रेस किया जाएगा। ये टेंटेटिव है, वी आर वर्किंग ऑन दिस आउटलाइन, आपने बता दिया। हाँ मैं बता रही हूँ, ये टेंटेटिव वैसे हमारा प्रोग्राम ऑफ 2 मंथ्स का है, तो हम ये सारी ये आउटलाइन भी वी आर वर्किंग और ये हम थर्ड मंथ पे देख रहे हैं एडवांस आउटलाइन, तो ये चीजें इस पर भी जो ये उस पर करते हैं तो ये उससे ही कंटिन्यू होता है वो कहेंगे, लेकिन ये भी टेंटेटिव है इसमें हम जो फाइनलाइज कर रहे हैं चीजें तो हमने कहा, लेकिन एटलीस्ट हम अपने पार्ट से शेयर कर दें कि ये एडवांस ट्रेनिंग पे हम ऑलरेडी कवर कर रहे हैं और उसमें जो है हमारे पास जो ऑब्वियसली ये अपनी एक एक्सपर्टीज रखते हैं तो उसमें एडवांस लेवल में एक और हमारे पास एक्सपर्ट होगी वो टैक्सी जो कि मेरे एडवांस के वो भी कवर करें, वी विल हैव एक्सपर्ट्स हु विल बी कवरिंग वरना होता यह है कि मुझे तो आता है एडवांस लेकिन मैं जब एडवांस में बैठा हूँ तब सोच रहे यार वो वाली पार्ट बाकी नहीं आता है संडे को 2-5 होगी या 2-5.5 कर देंगे हमने, ये कहते हैं 7-9 और 2-5 रखिए वरना आधे घंटे आगे पीछे कर दूंगे, क्योंकि फ्राइडे को बीइंग अ वर्किंग डे सबके लिए 7 बजे पहुंचना है, तो वो हम लोग 7:30 से 9 बजे कर देते हैं और फिर संडे को सब लोग ताजा दम होकर सुबह सुबह 2 बजे पहुंचेंगे तो फिर 5:30 बजे तक आराम से फिर वो कर देंगे। नहीं हम लोग ये करते हैं कि फिर हम रिमोटली क्लास का ऑप्शन भी रखा हुआ है जूम से, आप जूम से अटेंड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे LMS का बड़ा जबरदस्त सिस्टम है यहाँ पे जिसमें आपको एक्सेस मिलेगा और स्पोर्ट्स खत्म होने के 2 महीने बाद तक एक्सेस होगा, 2 महीने आपका रहेगा टीम का कोर्स और वो अगर 3 महीने का कोर्स हो गया तो 3 महीने जितनी कोर्स की ड्यूरेशन है उस कोर्स की ड्यूरेशन में 6 मंथ एक्स्ट्रा प्लस 6 मंथ, तो मिसाल के तौर पे इन दिस केस अगर हम स्टैंडर्ड केस को ले लेते हैं तो 2 मंथ का कोर्स प्लस 6 मंथ 8 मंथ के बाद, तो 8 मंथ तक अगर 3 मंथ का है 3 मंथ प्लस 6 मंथ 9 मंथ सर्टिफिकेशन बात रहेगी वो एफिलिएटेड इन गवर्नमेंट से गवर्नमेंट पे है वो अभी उसकी तरफ आ रहा है अभी कर रहा है वो भी अभी हमने बताया नहीं ला ये तो सही है सारा यहाँ से थोड़ा सा चेंज नहीं नहीं वो उसी में तो आता है और तो इसमें बाकी हमारे कुछ अगर पार्टिसिपेंट्स की थ्योरी है सब में डाल दिए। अच्छा जी लबीब आप प्लीज अपना एक एक करके सब लोग अपने क्वेश्चंस करते जाएं, अगर लिख दे तो ज्यादा अच्छा है चैट पे ताकि एक एक करके हम उसको एड्रेस कर दें। तारिक साहब का है क्या फाइनेंस एक्ट 2023 स्पोर्ट्स में इंक्लूडेड है, 2023 इंक्लूडेड नहीं है, मेजर है जो मॉडिफिकेशन थोड़ी बहुत हम उस पर पासिंग में डिस्कशन करेंगे लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे होंगे जून 2023 के हिसाब से। जो नए टॉपिक है उसके हम डिस्कशन करेंगे जैसे हम लोग मैं क्विकली वो स्लाइड्स कर दूं।
ओके तो ये ट्रेनिंग पूरी जो है वो ओके सो माय नेम इज फरहान शाहिद काजी एंड आई एम हियर द फाउंडर एंड चीफ इफेक्टिव प्रोफेसर एट यूएक्सएल और मुर्तजा गाजी इज द लीड इफेक्टिव ट्रेनर हेड ऑफ टैक्सेशन ट्रेनिंग और बेसिकली इस ट्रेनिंग को पूरा हैंड्स ऑन रखा गया है और ये ट्रेनिंग खास तौर पे उनके लिए बनाई गई है जो कि डिफरेंट टारगेट ऑडियंस है हमारी इस ऑडियंस बताते चलें कि ऑडियंस कौन है हमारी ऑडियंस बेसिकली वो जो ऑलरेडी टैक्स में काम कर रहे हैं लेकिन अपने आप को अपग्रेड करना चाह रहे हैं फिर इसके अलावा हमारी वो भी ऑडियंस है इसमें जो कि ऑलरेडी बिजनेस ओनर्स हैं लेकिन वो टैक्स को समझना चाह रहे हैं कि एटलीस्ट उनको कुछ बेसिक नॉलेज तो हो टैक्स की वरना वो फिर टैक्स कंसल्टेंट अगर कोई भी चीज़ उनको बता दे उनको हाँ ही बोलना पड़ता है बिकॉज उनको खुद को तो बैकग्राउंड है ही नहीं उस चीज़ का तो ये बिजनेस ओनर्स के लिए भी ट्रेनिंग रखी गई है ताकि वो अपनी एक एक्सपर्ट अगर ना भी बने तो एटलीस्ट उनको पता हो कि यार टैक्सेशन में क्या चीजें चल रही ताकि वो बात कर सके किसी कंसल्ट फिर इसके साथ साथ वो हमारे इंडिविजुअल्स जो कि अपने टैक्सेशन के करियर को स्टार्ट करना चाह रहे हैं और स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं और अपने आप को फ्रीलांसिंग के थ्रू क्योंकि आपको पता है अभी टैक्स का सीजन फिर से आने वाला है जिसमें टैक्स के टैक्स रिटर्न वगैरह सब होंगे एक एवरेज भी मेरे ख्याल से 5-6 हज़ार रुपये तो हो जाता है एक रिटर्न आप सोचें कि एक रिटर्न भी अगर किसी का बना लेते हैं तो 5-6 हज़ार रुपये तो ये ट्रेनिंग से आप रिटर्न बना सकते हैं किसी इंडिविजुअल का तो इस तरीके के मुख्तलिफ ऑडियंस हमने रखी है इस ऑडियंस ट्रेनिंग में और हमारा इसमें प्री रिक्विजिट भी है प्री रिक्विजिट ये है कि एटलीस्ट आपके पास कुछ बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग होनी चाहिए कुछ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बिकॉज यहाँ पे हम आपको इस तरीके से नहीं ट्रेन कर सकते कि अकाउंटिंग में जो है वो ये सेल क्या होती है अब मतलब इतना तो आपको आना चाहिए तो ये भी बताना जरूरी है कि कुछ एक्सपेक्टेशंस क्लियर होनी चाहिए प्री रिक्विजिट है बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज उससे आगे हम लेकर चलेंगे आपको कोई समझता नहीं है लेकिन कुछ बेस लेवल की अंडरस्टैंडिंग होगी अच्छा ये ट्रेनिंग जो है वो लाइव फिजिकल होगी ऑन कैंपस और इसके साथ साथ ऑनलाइन ऑप्शन भी दिया जाएगा तो जूम पे भी ट्रेनिंग होगी इसके साथ साथ ये ट्रेनिंग 18 जून से स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट वीक संडे से 2 PM 5 PM और 2 PM to 5 PM और ये हफ्ते में 2 दिन क्लास होगी फ्राइडे एंड संडे फ्राइडे को शाम को 7 से 9 और संडे को 2 से 5 ट्रेनिंग 2 मंथ्स की है हम 3rd मंथ भी प्लान कर रहे हैं स्टार्ट करने का और वो इंशाल्लाह ताला आपसे सून उसके बारे में फर्दर डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी लेकिन अभी हमने आपसे एक ड्राफ्ट आउटलाइन शेयर कर दी है कि जिस पे ऊपर एडवांस टैक्सेशन की चीजें हम लेकर आएंगे इंशाल्लाह तो ऑटोमेटिकली फिर ये ट्रेनिंग 40 आवर्स के बजाय 60 आवर्स की हो जाएगी 3rd मंथ ऐड हो जाएगा इसमें ठीक है अच्छा इसके साथ साथ फर्दर मैं आपको गाइड कराता चलूं कि यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप ये ट्रेनिंग का डेमो ले रहे हैं इज अ रजिस्टर्ड ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म विद स्टेप्टा इन टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी और रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड इट इज एफिलिएटेड विद ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड अलॉन्ग विद दैट इट इज also a fintech focusing on fintech financial technology training firms and consultancy aur bunyadi taur pe hum jo hai wo between industry and academy jo gaps hote hain uske liye jo training ki zarurat padti hai uske upar hum focus karte hain acha iske sath sath we are jaise ki maine pehle bhi aapse share kiya ki we are affiliated and recognized and accredited with different organizations to ye sari wo different organization hai jinke sath hamari registration hui hai ye hamare IT lab hai जहाँ पे हम स्टेट ऑफ दी आर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं आपको लैपटॉप्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिसके ऊपर आप पोर्टल के ऊपर नेविगेट करें तो वो प्रॉपर एक पोर्टल पे आपकी प्रॉपर लैपटॉप होगा जिसके ऊपर आप अपना भी सिस्टम लेकर आ सकते हैं लेकिन हमारे पास भी सिस्टम अवेलेबल है जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं अच्छा ये हमारी कुछ गवर्नमेंट के साथ फर्दर ट्रेनिंग्स हैं जो हम कर रहे होते हैं ऑफिशियल ट्रेनिंग पार्टनर विद नेफटेक ये मेरी प्रोफाइल है आई एम दी ACCA मेंबर and I hold BSc applied accounting degree in from Oxford Brookes University and the founder and chief executive of UXL aur iske sath sath jo hai abroad ka experience hai of more than a decade ye Murtaza Ghazi already apni profile share kar chuke hain lekin the most thing is ki aapke paas wo trainer padhane chahiye jo ki khud practicing tax consultant ho kyunki unko phir day to day scenario ka pata hoga kya challenges kya aate business owner ka kya issue hai जो मेरे पास बंदा रिटर्न के लिए आ रहा है उसके पास क्या मसाइल आते हैं क्योंकि वो खुद उन डील कर रहे हैं उन मसलों के साथ और उसमें से दे आर अर्निंग उनकी अपनी रजिस्टर्ड फर्म है तो दैट मींस कि वो डे टू डे बेसिस उनके लिए सारी तो आप एक ऐसे ट्रेनर से अपनी लर्निंग कर रहे हैं जो कि खुद एक्सपर्ट हैं और वो खुद अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और वो न सिर्फ पाकिस्तान में बट मिडिल ईस्ट में भी उनका एक्सपोजर रहा है तो अब्रॉड का एक्सपीरियंस भी है और KPMG से माशाल्लाह जो है वो एक्सपीरियंस है कंप्लीट किया हुआ अब जो है वो ऑब्वियसली कोई भी हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च होता है तो उसमें हम एक स्पेशल ऑफर डोट देते हैं स्पेशल ऑफर हो जाए या नहीं हो जाए
जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, स्पेशल ऑफर हो जाए या मैं यहीं पे बस एंड कर दूं? थैंक यू सो मच, ओके बाय बाय। रजिस्ट्रेशन हो जाए सर? अभी मुझे जवाब तो सिर्फ एक ही आया है, बाकी तो जवाब आए ही नहीं है, बाकी भी आने चाहिए। अच्छा जी कॉमेंट सर हो जाए। अच्छा चले सही है, इस पे तो बहुत जल्दी जल्दी आवाज आते हैं कि सर जल्दी जल्दी स्पेशल ऑफर दे दें हमें। हाँ चले जी ठीक है, तो आपसे जो स्पेशल ऑफर शेयर करते हैं, हमारा बुनियादी मकसद ये है इस ट्रेनिंग में आपको टैक्स स्पेशलिस्ट बनाना, कि आप टैक्स स्पेशलिस्ट बन गए, और उसके लिए हम आपको यहाँ पे लाइव केस स्टडीज शेयर करेंगे आपके साथ, लाइव सिनेरियोस टैक्स के जो इश्यूज आ रहे होते हैं वो डिस्कस करेंगे, रियल लाइफ केस स्टडीज होंगे, इसके साथ साथ जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो भी गवर्नमेंट से मिलेगा, और इसके साथ साथ आपको LMS की रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी, लाइफ टाइम व्हाट्सएप कम्युनिटी एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा, और इसके साथ साथ ये सब चीजें आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट 9750 में प्रीवियसली थी पर मंथ, और लमसम में थी 18,500, लेकिन आज जो हमारा डेमो अटेंड कर रहे हैं उनके लिए 8,800 पर मंथ सिर्फ, और अगर आप लमसम में दो मंथ की फीस एडवांस में पे कर देते हैं तो 16,800 आपके लिए रखी गई है, और ये ऑफर 13 जून तक वैलिड है, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगी 13 जून 13, तो 3 PM पे ये एक्सपायर हो जाएगी। इससे पहले पहले काइंडली रजिस्टर कर लें अपने आप को, और मेक श्योर करें कि इस ऑफर का फायदा उठाएं, और अपने आप को अपना टैक्स स्पेशलिस्ट का करियर की आगाज करें। ये रजिस्ट्रेशन लिंक आपसे शेयर कर दिया गया यहाँ पे। अच्छा तारिक साहब बोल रहे हैं अल्लाह का नाम लेकर बताएं ऑफर। चले सही है ठीक है, अल्लाह का नाम लेकर ही आपकी ऑफर बताते हैं आपको। अच्छा जी तो एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? किसका आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपने ट्रेनर से बिल्कुल गाइडेंस लें, और इंशाल्लाह ताला आपको फैसिलिटेट किया जाएगा। काइंडली मेक श्योर कीजिएगा कि जो हमारी ऑनलाइन ऑडियंस है वो अपने नाम, ईमेल आईडी और सेल नंबर शेयर कर दे, ताकि हम उनको स्पेशल ऑफर शेयर कर सकें। थैंक यू, ओवर टू यू सर। जी तो ITP वाली बात हो रही थी, बड़ा अच्छा सवाल है। ITP का जो तरीकेकार होता है इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर, वो FBR नॉन क्वालिफाइड लोगों को, मतलब जो CA, ICA या ACCA नहीं होते, उनको ऑफर करता था। ठीक है, तो उसमें वो इंडिविजुअली बेसिस पे उसको एवेल्यूएट करते हैं, तो इससे जो होगा जाहिर है सर्टिफिकेशन से थोड़ा एक वो होगा, बट मेन चीज होगी वो आपकी नॉलेज टेस्ट करेंगे। अब ये नहीं कि भाई आपने कर लिया, जो हमने कोर्स एक और इसमें मैंने डिजाइन जो किया है, अब मैंने ये जो तरीकेकार हमने जो यहाँ पे रखा है, हमने वो नहीं रखा कि भाई आपने ये सेक्शन रट रहे हैं कि भाई ये सेक्शन रटेंगे ये फॉर्मेट रटेंगे, नहीं, जो इसको डिजाइन किया गया है वो रियल लाइफ सिनेरियो को वही सिमुलेट करने के लिए रखा गया कि भाई एक्चुअल लाइफ में आपको क्या होता है। अब मिसाल के तौर पर आप बताएं, आपको ऑफिस में कोई मसला आ जाता है आप क्या करते हैं? या तो किसी दोस्त से पूछेंगे, या किसी कंसल्टेंट से पूछेंगे, या कंपनी में सीनियर से पूछेंगे, वो कहीं वो करेगा क्या अभी उसे मेरे ऑफिस में रिइंबर्समेंट कर दिया तो अब वो यार एक्चुअल लाइफ में ये नहीं होता कि भाई आपको ऑन द स्पॉट याद हो गया ये ऑडियंस का फलाना सेक्शन क्या कहता है, वो ये नहीं कि वो जाकिर नायक की तरह सेक्शन 153 क्लॉज नंबर 2 सबसेक्शन 2, आपने ऐसे लेके नहीं चलना। आपने जाहिर सी बात है आप वो करेंगे अपने हिसाब से, आपने क्या करना है कि भाई आप पहले खुद देखेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा अपने सर्कल में घुमाएंगे क्यों यार ये मसला आ गया, चाहे कोई सीनियर हो चाहे कोई कोलीग हो। तो हमारा ये हो कि इसके अंदर आपके एंड में असेसमेंट होगा, और असेसमेंट ऐसा होगा कि इट विल बी ओपन बुक ओपन ग्रुप,
आपको टेक होम एग्जाम होगा, ये नहीं यहाँ बैठ के आपने करना है, आपको एक हफ्ते का टाइम होगा, आप किसी को पैसे देकर सॉल्व करा लें, आप खुद सॉल्व कर लें, ग्रुप में आपस में कोलैबोरेशन करके सॉल्व कर लें। आपका हमारा जो एक थॉट प्रोसेस भी चेंज हो गया, पहले था कि भाई हमें है कि भाई इसका क्या सोल्यूशन है, एक ही सोल्यूशन होगा। अब मसला ये है कि टैक्स प्लानिंग में खासतौर पर क्योंकि हर किसी का आप खाली नंबर दे के आप एक रिकमेंडेशन नहीं दे सकते, आपको और इंफॉर्मेशन होना लाजमी है। मिसाल के तौर पे मेरे पास, मैं अपने केस बता दूं कि एक क्लाइंट हमारे हैं, वो वाले हैं कि यार जेब से कोई टैक्स नहीं भरना। भाई साहब ने कसम खाई हुई थी, पहले मुझे कॉल आई, उनकी आई भी कहाँ से, वो गए हुए थे इज्तिमा में, तो उनको कहा यार किसी ने यार वो करना है, मेरा नंबर दिया, इनसे बात करना है। अच्छा भाई, भाई साहब ने पहले ही बताया कि मैं राज पे कैसे आया हूँ, तो सर अल्लाह की राज मुबारक कर। फिर अब उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई मैं जो हूँ ना, अब आपको पता है इज्तिमा पे जाता है तो फिर उस वक्त दोबारा नया नया मुसलमान हो जाता है, जो बनता है मैं देने को तैयार हूँ। और भाई साहब का माशाल्लाह बहुत अच्छा कारोबार, तो उन्होंने हमें बताया कैलकुलेशन करके कि मुर्ता भाई मेरा ये हिसाब किताब चल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको 5 मिनट में मैं आपको वर्किंग करके पे कॉल बैक करके बताऊँ भाई टैक्स कितना निकलता है। फिर जो निकलता है ना मैं देने को तैयार हूँ। तो मैंने वर्किंग की, माशाल्लाह उन साहब को 4 लाख रुपये का टैक्स निकला है। सर ईमानदारी का तो यही आपकी यही कॉस्ट पड़ेगी ईमानदार होने के। अच्छा भाई यार ये एडजस्ट कहीं से हो सकता है? मैंने कहा हाँ जो आपका है एडजस्टेबल आपको अवेलेबल है, नेट की मोबाइल की इन चीजों में एडवांस एग्जाम में अपने नाम पे जमा कराया हुआ है, वो हम लिंक कर सकते हैं। फिर अच्छा ठीक हो। फिर 1-2 घंटे बाद उनका वो आया, व्हाट्सएप आया कि मेरा मोबाइल टैक्स का सर्टिफिकेट है 3,000 रुपये के, इसमें 200-300 का ना रिफंड छोड़ देना, जमा करा। तो वो साहब थे, अब उन साहब ने वो साहब थे, अब उन साहब ने अभी लास्ट में रिटर्न फाइल किया, उन्होंने कहा यार या मुझे 60,000 रुपये का टैक्स भरना है। वो तो खुद आगे मुझे कह रहे हैं क्यों, उनके सिनेरियो चेंज हो गया। अब उन्होंने बाहर का कुछ मामला करने थे, ऑफिशियल चीज अपनी दिखानी थी, तो उन्होंने कहा भाई मुझे वो करना। तो उसके हिसाब से हमें ये है कि भाई केस टू केस हर उसका बंदे का एक ही सोल्यूशन नहीं होता। आपको पता ये भी करना चाहिए कि भाई आप किधर से आए हो, आपकी पास रिटर्न में क्या आपने चीजें डिस्क्लोज की हैं, आप किधर जाना चाह रहे हो, भाई आगे आपका क्या सिलसिला है, आप किस तरीके से लेके चलना चाह रहे हो, और आप अभी कहाँ का वो हो। अब जैसे भी यह बात हो रही थी कि भाई मेरे पास कंपनी सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करने वाली है, अब वो कहे मेरे पास एक आ रही डिस्ट्रीब्यूटर का केस, उनको नोटिस आया हुआ था मिनिमम टैक्स का, तो भाई साहब ने कोई 2.5 करोड़ का वो किया होता डिस्ट्रीब्यूटर का जो बड़ा का मार्जिन होता है, 2.5 करोड़ पे भाई साहब ने 4 लाख का प्रॉफिट दिखाया है। तो उस पे फिर आगे कि नहीं यार ये तो ये मसला है। अच्छा तो खैर अब क्यूरी थोड़ी सी है कि हसन भाई की क्यूरी है कि एडवांस और जो बेसिक वाला है ये दो अलग अलग कोर्सेज हैं, ये 2 महीने का हमारा बेसिक वाला है, एडवांस वाला 1 महीने का होगा, और उसकी और मजीद तफसील आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। फिर इस कोर्स में मास साहब की क्यूरी है कि खाली इनकम टैक्स है या SACP SRB GST ऑल ऐड है, इसमें इनकम टैक्स के ऊपर प्राइमरी फोकस होगा और सेल्स टैक्स के ऊपर हम लोग बेसिक प्रिंसिपल्स वगैरह पे बात करेंगे बेसिक कोर्स में, और जो आपका एडवांस वाला कोर्स होगा उसमें मजीद तफसील में उसको सेक्टर वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, आप कोई और भी कोई कुछ पूछने वाला था सर? हाँ तो डिस्ट्रीब्यूटर का वही होता, 4 लाख रुपए का टैक्स दिखाया हुआ था, उससे कहा कि भाई ये कहाँ का इंसाफ है भाई, तुम 2.5 करोड़ का काम अगर कर रहे हो और खाली 1% से भी कम कमा रहे हो। ठीक है उनका बेशक मार्जिन कम हो लेकिन तो वो मिनिमम टैक्स इग्नोर कर दिया ना,
अब वो उस वक्त अच्छा 1 करोड़ की लिमिट थी, और वो 2.5 करोड़ में बैठा हुआ था, और अब तो उधर नहीं, टर्नओवर की परसेंटेज बढ़ा दी, टर्नओवर की लिमिट बढ़ा दी, इसको 1.5 कर दिया शायद। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए दूसरे सेक्टर से किया, मार्जिन तो कितना पॉइंट्स में होता है? स्टॉक मैनेजमेंट एंड आईआरएस नहीं, इसमें कवर नहीं होगी। और एडवांस कोर्स की फीस अलग है क्या? एडवांस कोर्स की फीस अलग होगी। ये था, बाकी कोशिश हमारी ये होगी सबको साथ लेके चलने की। तो खैर, कोर्स की आउटलाइन में बात कर रहे हैं, वो हो गए। तो हमारा जो कोर्स होगा, हमने इसके अंदर कोशिश करना है कि आपकी एक कॉग्निटिव एबिलिटी कहते हैं कि आपकी सोच और विचार करने वाली जो आप ये, तो उसको फिर से उजागर कर दें। क्योंकि हमारा सिस्टम एजुकेशन हो चाहे वर्क का हो, हमें वो सोचने नहीं देते। चाहे आप कहीं काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, कहेंगे भाई बीकॉम कर, इंटर कर लो, मैट्रिक कर लो, बेटा ये 5 ईयर पेपर रट के चले जाओ, इससे आगे कुछ नहीं आएगा। अच्छा भाई, जॉब में बेटा तुम्हें बस ये ही करना है, ये फॉर्मेट है, इसके लिए चीज बनाई, तो अपनी जिद्दत लेके आओ भाई, किस बात की एफिशिएंसी दिखा रहे हो, वहां में वही बिठा देते बंदे को। बंदे कह, अच्छा भाई जैसा आप कहेंगे वैसे ही कर दिए। तो हमारा ये कि जब तक हमारे पास थोड़ी एक कॉग्निटिव एबिलिटी हमारी नहीं हुई, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हमारी डेवलप करानी है, तो ये हमें ऐसे डिजाइन किया, हम कोशिश करेंगे इंटरैक्टिव सेशन रखें। जो भी ज्यादा मेरी रिकमेंडेशन ये होगी, जो हमारे कराची के पार्टिसिपेंट्स हैं वो इन पर्सन आके क्लासेस गए, कि इन पर्सन आके काफ़ी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाती है, रिकॉर्डेड सेशन में या जूम पे इतना मज़ा नहीं आता। मेरी प्रेफरेंस पर्सनली यही है, ये तो क्योंकि काफ़ी लोगों का हो जाता है कि अब किसी वजह से मसला ये ऑफिस जो प्रैक्टिकल काम कर रहे होते हैं सबका मसला, तो उड़ती हुई टोपी कभी भी आ जाती है, ऑफिस में लेट रुकना पड़ जाता है, कभी संडे को चले जाते हैं क्लोजिंग, अभी जो 30 जून आ रही है तो क्लोजिंग वोजिंग लोगों के मामला, ठीक है अब उसमें देर से आएंगे, संडे को भी बाद अपन जाना पड़ता है, तो उसके हिसाब से हमने ये चीज़ें रखी गई प्रैक्टिकल, क्योंकि ये पूरा है। क्योंकि देखिए, मैं भी खुद काम करता हूँ, मुझे पता है कि क्या चैलेंजेस फेस करते हैं हमारे हर बैच में पार्टिसिपेंट्स ने कहा। पहले हमने रखा था फ्राइडे और सैटरडे रखा था, सबसे पहले बैच हमने किया था, तो उसमें क्या हुआ था कि आया था कि सर सैटरडे भी हमारा वर्किंग डे फुल डे होता है, अब ऑफिस में, अब ऑफिस के 6 दिन हम जा रहे हैं, 1 दिन तो थोड़ा जल्दी निकल सकते हैं, बंदा लगे 6:30 बजे निकल रहा है दफ्तर से या 6 बजे निकल रहा है, थोड़ा जल्दी निकल सकते हैं। वो भी मैनेजर कहता है तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहा हूँ, तुम्हें जाने दे रहा हूँ फ्राइडे की क्लास को, सैटरडे भी निकल रहा है, काफी लोग उनके सैटरडे फुल डे होता है। जनरली हमने ये देखा है कि भाई नमाज में कौन काम करता, नमाज का जब काम करने का टाइम शुरू होता है ना, तो कहते अच्छा सर मैं क्लास के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। वो हर किसी की काम की नौयत अलग होती है, तो ये कोशिश है सबको साथ लेके चलने वाली। वरना काफी हमारे सरकारी दफ्तर वाले आए थे, सर 5 बजे तो मैं छुट्टी हो जाती है, अब कितनी देर से 7 बजे मैं ऑफिस में, कितनी देर तक बैठा था, नहीं सरकारी जो जॉब्स कर रहे होते, सरकारी जॉब्स वाले तो 4 बजे तो फारे, जुम्मे को तो फारे ही फारे, नहीं यार ऑफिस जाना पड़ता है यार। इनकम टैक्स सेक्शन मास्क आपका सवाल है, बेसिक कोर्स में कराएंगे? जी बिल्कुल कराएंगे, एडवांस में दूसरे कोर्सेज कराएंगे, जो सोर्सेज ऑफ इनकम वाले कोर्सेज हैं, और जो 153 है मेन रिसीव ऑफ पेमेंट वाला कोर्स है, पेमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज, वो हम इसमें कवर कराएंगे, बाकी उसमें एडवांस में कराएंगे। ये है ना, आप लोगों का शेयर होगी मेरे ख्याल से, ये क्लास के बाद आप अपनी रजिस्ट्रेशन तो कराई भी ना आपने, ये हमने कोर्स यहाँ शेयर किया हमारे काम, ये एडवांस की आउटलाइन है, ये बेसिक की आउटलाइन है, अभी एडवांस की हम लोग ये और फाइनलाइज कर रहे हैं, इसको क्या देखा एलिमेंट इसमें और प्लस कर दें या इसमें कुछ चीज़ें मर्ज कर दें।
ये भी टेंटेटिव है ठीक है। हम लोग जो करने को देंगे ना ट्राइबिनल पीर वाला केस हम लोग बाद में बताएंगे, एडवांस वाले में बताएंगे। तो ये होगा कि यहाँ पे हम लोग वर्किंग देखे हमारे पर डमी आयरिस की आईडी का एक्सेस नहीं है ठीक है, वो होता नहीं है। मेरे कुछ क्लाइंट्स होंगे उनके मैं आपको रियल लाइफ आईडी सिखाऊंगा कि उसमें फाइलिंग कैसे करते हैं फाइलिंग कैसे नहीं करते ठीक है। वो मैं आईडी पासवर्ड आईडी कॉन्फिडेंशियल अपने पास रखूंगा तो वो मैं उस पर डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे कि प्रैक्टिकली कैसे करता है वो वर्किंग। पहले प्राइमरीली आपने काम करना एक्सेल में और ये कॉपी रजिस्टर पे मेरे वो है कि आप वोटिंग चाहे आप एक्सेल के साथ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, वरना रिकॉर्डेड सेशन होगा और हर क्लास के बाद जो वर्किंग फाइल होगी वो व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर होगी और हमारी एक ही फाइल होगी उसमें पूरा कोर्स का। हम एक ही फाइल यूज करेंगे उसी फाइल में टैब ऐड कर देंगे, अच्छा भाई ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया, इस तरीके वही फाइल लेके चल रहे होंगे। बिल्कुल, अब हमारे पास केस स्टडीज बकायदा होंगे उसमें इन्फॉर्मेशन या तो कुछ डॉक्यूमेंट्री एक आध हमने दो केसेस बनाए की डॉक्यूमेंटेशन कुछ डाली हुई स्कैन लगाए हुए एक्सेल की शीट में और कुछ ऐसे हैं कि उसमें इन्फॉर्मेशन दी गई कि भाई ये चीजें हैं बाकी आपने अपना वो इस्तेमाल करना है। इसके लिए हम इसी तरीके से स्केल में कराएंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमें स्टार्ट करना है। ना वो तो जाहिर सी बात है केस स्टडीज अब करेंगे ना हम लोग ने मेरा जो बिजनेस के साथ 4 या 6 केसेस हम लोग करेंगे और 3 तो उसमें बहुत बड़े बड़े हैं ठीक है। और जिसमें हम लोग एक हमारा है कि सादा खुशबू बिजनेस, दूसरा है बिलोनी टैक्स वाले बिजनेस, तीसरा उसमें आएगा एक सर्विसेज का रजिस्टर्ड बिजनेस, चौथा इसमें आएगा तो सर्विसेज में कुछ दोनों का काम करेंगे। ये जो 4-5 केसेस हमारे होंगे उसमें सब में एक एक प्रोसेस फॉलो हो रहा होगा। आपने प्रोसेस कैसे फॉलो करना है, पहले कंपनी के मामलात होते हैं फिर उसके बाद इंडिविजुअल के मामलात होंगे फिर उसके बाद आप देखेंगे भी मेरी प्लानिंग का एलिमेंट होगा उसमें 2-3 हर उसमें केस में एक एलिमेंट दिया होगा इन्फॉर्मेशन की भी जो आपको प्लानिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें फिर आपसे इनपुट भी दिया जा रहा होगा कि आप बताएं तो उसमें लोग यहाँ पे पूरी डिस्कशन करेंगे। ये नहीं कि वो जैसे वो अकाउंट से सवाल आया हुआ कि अकाउंट बनाया भाई ये खत्म, वो नहीं होगा। प्रॉपर डिस्कशन करने का हमारा इरादा है इसमें और उसमें जितना आप लोग ज़्यादा इनपुट देंगे। अब लास्ट हमारा बैच जो था बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव था, वो काफ़ी लोग थे कि कुछ होता है कि लोग होंगे ना कि काफ़ी होते हैं कि जो थोड़े सोच थॉट प्रोसेस की उस तरीके से पहले से एक्टिवेट हो गई हुई थी। बाद काफी में होता है कि हमें बाद में जाके नहीं एक होता है कि आपको सोच होती है कि आपकी इंक्विजिटिव माइंड होता है कि भाई सवाल पूछने में मसला नहीं है और बड़े अच्छे इंसाइटफुल सवाल पूछे थे। कुछ बातों का हम लोग जो डिस्कशन टॉपिक्स में आगे के रख रहा होता तो वो सवाल उनसे पहले आ जाते। हालांकि जो इन लोगों के सवाल कर रहे थे वो कोर फाइनेंस प्रोफेशनल्स नहीं थे, एडवांस नहीं थे, लेकिन वो भी इंटरमीडिएट लेवल पे थे, उनके साथ भी बड़ा वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा था हमारा। तो ये जितनी अच्छी आप लोगों से डिस्कशन हुई हमें इंटरेक्टिव और जब भी मैं फोकस ये है मेरा ज़्यादा प्रेशर इस पर होता है कि भाई आप फिजिकली आके क्लासेस ताकि ज़्यादा अच्छा इंटरेक्टिव फेस टू फेस डिस्कशन हो सके। हाँ ये ऑप्शन जरूर अवेलेबल है रिमोटली कि हम लोग जूम से क्लास कर लें बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लें, वो मैं रिकमेंड करूँगा आप रिविजन पर्पज के लिए उसको रखें ताकि जब आप क्लास में बैठे हुए होंगे चीज सेशन आप ले रहे होंगे उस वक्त आपकी जो इंटरेक्शन हमारी हो रही है वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, ज़्यादा वैल्यूबल रहेगी, ज़्यादा उसका इम्पैक्ट होगा। जूम पे जो प्रजाति मेरा हो रहा है कि मैंने काफ़ी सेशंस कराए भी हैं उसके जूम पे रिमोटली लिए भी हैं, एज अ स्टूडेंट मुझे अभी रिमोट में समझ नहीं आता। वो तो हमारी कैपेसिटी है और हमारा थोड़ा ये भी है हम बैच बड़ा करते भी नहीं
ज्यादा बड़े बैच में ना कितने 20-25 तक का हो तो ज्यादा नहीं पड़ेगा, इससे ज्यादा बड़ा नहीं। घर ले जाने के लिए क्या साल लगे देंगे तो क्योंकि तो सब ये लोग जॉब करने वाले, अगर हमें कुछ क्वेश्चंस हैं उसको एक्सेल का विजन बना के देखें हमारी कई कंपनीज की, तो वो हम इस लैब में आपसे शेयर कर सकते हैं। देखिए इसमें जो है ना दो चीजें आ रहे हैं, एक तो ये अच्छा ये ऑनलाइन कंपटीशन सवाल है, तो ये हमारे पास एक सवाल आया पार्टिसिपेंट का कि हम अपनी जो ऑफिस की वर्किंग हो रही होती है या हमारा जो काम हो रहा होता है वो हम आपसे वर्किंग शेयर करेंगे तो क्या आप उसमें हेल्प करेंगे या कैसे उसकी, यही है ना क्वेश्चन। हाँ, उसका अपना काम हो रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए इसमें जो है ना मैं आपको क्लियर करता चलूं कि एक पार्ट आता है सिखाने का, दूसरा पार्ट आता है कंसल्टेंसी का। अगर आप ये कहेंगे कि सर आप हमें बता दें कि ये सेल्फ टेक ये सही है और इसमें कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो सर बता देंगे करेंगे आप, तो वो उनका क्लास का हिस्सा है। लेकिन आप ये कहेंगे कि सर ये समझ में नहीं आ रहा था सर थोड़ा सा प्लीज आप खुद थोड़ा सा दो मिनट बैठे करके देंगे तो वो आ जाएगा कंसल्टेंसी, क्योंकि अब तो सर बैठ के खुद करके दे रहे हैं। लेकिन ये कि उसमें फिर भी लेकिन मकसद कहने का ये है कि आपको क्योंकि क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई कहाँ पे कंसल्टेंसी आ जाती है कहाँ पे लर्निंग करेंगे आप खुद, तो जितने सवाल पूछते जाए खुद ही करते जाए सर उतना ज्यादा गाइड करते हैं ऐसे ही है ना। इसमें दूसरा एलिमेंट मैं इसमें एक और भी चीज ऐड करता था कि देखिए हमारा मुख्तसर टाइम होगा 40 घंटे में हमने आपको चार सोर्सेज ऑफ इनकम, इनकम टैक्स प्लानिंग, इनकम टैक्स फाइलिंग, हमें सारी चीजें कवर करवानी है। अब ये मैं खुद जजमेंट करूंगा कि भाई आया कि ये हमारी उसमें अगर कोर्स में वैल्यू ऐड कर रहा होगा मैं जरूर वो चीज़ें वो क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है टाइम में गुंजाइश होगी। जैसे अपनी लास्ट बैच में कुछ पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट की सर हमें ये फना फना टॉपिक करा दें, अब हमने एक बात की थी कि हमें अगर टाइम बचा तो हम इस पर ज़रूर वो करेंगे, अगर टाइम नहीं बचा हम उस पर एड्रेस नहीं करेंगे। क्योंकि हमारा देखिए मेन ऑप्शन ऑब्जेक्टिव जो है हमारी एक आउटलाइन है कोर्स की, हमें ये कराना है कि यहाँ से पार्टिसिपेंट जो निकले उसको जितने सोर्सेज ऑफ इनकम यहाँ पे डिस्कस करें कि भाई ये हमारे सोर्सेज ऑफ इनकम है। अब ये चार की सोर्सेज ऑफ इनकम है हमारी, इसके बारे में बेसिक नॉलेज क्या है, ऑर्डिनेंस में क्या सेक्शन क्या कह रहे हैं, ये हमारे पार्टिसिपेंट के लिए ठीक है। तो अगर उसमें किसी एक टॉपिक में वो हमारे कोर्स ऑब्जेक्टिव लेकिन ऐसी चीज हुई जो हमारे कोर्स एडवांस लेवल वाली चीज हो तब उसके अंदर वो नहीं करते आपकी बात सुन रहे हो, काफी आपको चीजों का आइडिया है नॉलेज का नॉलेज आप लोगों को, लेकिन जो बाकी पार्टिसिपेंट्स को नहीं आप मुझे कह रहे हैं सेल्स टैक्स का NHRF का बता दें मिसाल के तौर पर NHRF का बता दें, तो हम बात करेंगे यार पहले सेल्स टैक्स को पता है रूल्स पता है, अबे NHRF की एडवांस लेवल की चीज़ है वो एडवांस लेवल वाले क्वेश्चन कवर कर सकते हैं, वो आपकी वैलिडेशन होगी क्या चलो यार ग्रेड लाइफ को सेट लेकर आ गया। हमारे पास आए थे काफ़ी विदहोल्डिंग टैक्स वाले इश्यूज लेकर आए तो हमारी बिजनेस की केसेस के साथ पर्टिनेंट थी, हम लोग उनको साथ में क्लास में डिस्कस भी किया। आपको बस इतना कि बेसिक में एडवांस वाले जाहिर है आप ऑफिस से सही बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम एडवांस लेवल पर जाएंगे हां तो हम चाहेंगे एडवांस पीछे कोई कहेगा सर वो बेसिक पीछे से समझ में नहीं आ रहा तो उसके क्लास में सर के रूम पीछे आप वो पीछे नहीं कराएंगे वो दो में तोड़ने का मकसद ही यही है। अब मैं अब मकसद हम सबके एडवांस की डेफिनेशन अलग अलग है। अब मैं एक बात बताऊं एक्सेल का ये पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट के एक शॉर्टकट है शिफ्ट F5 भी जिससे फुल स्क्रीन पे हो जाती है। अब मैं कहूंगा यार ये तो यार एडवांस लेवल का फंक्शन मैंने आपको सिखा को या तो बेसिक है ठीक है। अब वो अब हम लोग प्री रिक्विजिट इसी रखा कि भाई एडवांस बेसिक लेते हैं एडवांस है, इसका ये मकसद नहीं कि भाई हम फंसा रहे हैं भाई आप खुद बैठ जाए मसला नहीं है एडवांस में डाल कर बैठ जाए, लेकिन ये नहीं हो कल को कि आपकी एक आध कोई बेस अनकवर्ड हो आप कह नहीं यार ये
अब फिर भी क्या होगा, वहाँ पे जाहिर सी बात है हर कोर्स का एक आउटलाइन है, एक टारगेट होता है इंस्ट्रक्टर का, तो मैंने ये ट्रेनर को मैं ये चीजें इतने टाइम में करानी है और अच्छे तरीके से करानी है, ताकि कल को पार्टिसिपेट नहीं कर यार सर ने तो यार कर दिया मैं चाह रहा हूँ जो एडवांस वाले फुली छूट है, कोई पाबंदी नहीं है भाई आपकी, वो है वो बंदा खुद दो तीन क्लासों से खुद आइडिया हो जाएगा यार, आठ क्लासेस होंगी दो क्लास में पता चल जाएगा मैं कितने पानी हूँ। आप किसी को कहें यार अब वो उसमें ये बात नहीं कहेंगे ऑर्डिनेंस में आपने कौन सा सेक्शन कहाँ ढूंढना है, वो कहेंगे मिसाल के तौर पर 122(9) का सेक्शन आता है ऑर्डिनेंस में जिसके तहत नोटिस निकलते हैं, आप 122(9) ऑर्डिनेंस में देखिए सर ऑर्डिनेंस में कैसे मिलेगा, ऑर्डिनेंस कहाँ पड़ी है। अब ये सवाल कोई उसमें पूछेगा तो फिर वो बंदा कहेगा सर आप एडवांस में कितने बैठे। हाँ यहाँ पे पूछेगा सर अब यहाँ पे हम बताते हैं कि अटैचमेंट में पेज नंबर क्या है और ऑडियंस का पेज नंबर क्या है, दोनों पेज नंबर बताता हूँ और ऑडियंस क्यों, आप लोग यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट होता है वो फिर सीख रहा है ऑडियंस बोल के कैसे कैसे पढ़ते कैसे सेक्शन कैसा। अब लोग आते हैं यार मुझे एडवांस से हमारे पास थे कि उनका था एक आध 600 इनकम उनका बिजनेस इनकम उनको नहीं आती थी, सर बाकी मुझे आते हैं तो मैं बैठ जाऊँगा, ठीक है आप बैठ जाए ये बेसिक वाले बैठे रहेंगे, फिर कोर्स के बाद खुद करें सर ये तो मुझे काफी चीज पता ही नहीं थी। तो हर किसी का वो लेवल अलग है, आपके मुझे बाहर बातों से लग रहा है आपका माशाल्लाह से है, आप डायरेक्ट एडवांस में बैठ जाइए वैसे इशू नहीं। तो कुछ ना कुछ जरूर और अगर ओपन माइंड के साथ बंदा आता है ना तो उससे और ज्यादा वो होती है, जैसे मैं भी काफी चीजें मैंने बताया वो कुत्ते वाली बात थी कि घर के कुत्ते के खाने के पैसे भी उन्होंने कंपनी, अब ये एक नई चीज आई यार ये भी डर जाता है। तो मैं क्योंकि मुझे प्रैक्टिस कर रहे तकरीबन 7 साल से फॉर्म चला रहा हूँ, 15 साल से ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, एसएमई सेक्टर बड़े क्लाइंट भी किए हैं मैंने, यहाँ के भी किए हैं बाहर के भी किए हैं, लेकिन मैं भी आज नहीं कहता कि यार मुझे यार पूरी चीज़ों पर गिरफ्त नहीं, पार्टिसिपेंट्स काफी चीज़ें मैंने सीखने से काफी कहें किसी का अच्छा ये फाइनेंशियल मॉडलिंग भी कर चुके हैं, पावर बीआई भी कर चुके हैं और डेटा साइंस का कोर्स भी कर चुके हैं, इंपोर्ट वाले अभी पूरी प्रोसेस की फाइलिंग के थ्रू आए रिटर्न जी। वकास साहब आपका सवाल है बिल्कुल सही है, ये आपका मसला हल हो सकता है, जो ब्रोशर के कोर्स आउटलाइन है वो सभी पढ़ाया जाएगा बिल्कुल यही पढ़ाया जाएगा, और यहाँ पे हम लोग इसको डिस्कशन क्लोज करते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी सारे पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है प्लीज अपने कैमरा ऑन कर लें, हम थोड़ा एक ग्रुप फोटो इसको ले लेंगे। थोड़ा सा अगर आप आ जाए बोल रहे हैं आप, लेकिन थोड़ा सा गैप बीच में दे ताकि ऑनलाइन भी हमारी ऑडियंस उस तरफ तो कर। हाँ यही पे कुछ तो होने अच्छा चले ठीक है।
सबने साइन कर दिया था उसपे ये ऑनलाइन और